हेलो दोस्तों, और दोस्तों हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी में ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में पिछली क्लास तक हम लोगों ने ब्लड के बारे में सारी बेसिक डिटेल्स की चर्चा की थी। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स क्या होते हैं, इनके जो निर्माण स्थल क्या क्या हैं, फॉर्मेशन साइट्स क्या क्या हैं, और इनके जितनी भी क्वेश्चन एग्जाम के बेसिस पर बनते हैं उन सबको हमने डिस्कस किया। आज की क्लास में हम लोग ब्लड ग्रुप्स एंड हार्ट को डिस्कस करेंगे। ब्लड ग्रुप मैंने कल की क्लास में बेस तैयार किया था आपका, कि ब्लड ग्रुप हर इंसान का जो ब्लड है ना, उसके बारे में बात की थी कि भाई सभी इंसानों का ब्लड सेम नहीं है, उनमें भी ग्रुप्स हैं, है ना। और ये बात किसने कही थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने। कार्ल लैंडस्टीनर ने आपको बताया कि भैया जो इंसानों का जो ब्लड है वो चार ग्रुप्स में बटा हुआ है, ए बी, ए बी और ओ, क्लियर। और ब्लड में दो टाइप के कंपोनेंट्स हैं, एक है एंटीजन, दूसरा है एंटीजन एंटीबॉडी। एंटीजन जो होते हैं वो आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर पाए जाते हैं, कैपिटल ए कैपिटल बी प्रकार के होते हैं। एंटीबॉडी आपके ब्लड प्लाज्मा में पाए जाते हैं, जो स्मॉल ए और स्मॉल बी प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब दोस्तों एंटीजन एंटीबॉडी में मैंने ये समझा था कि ब्लड ग्रुप का जो नाम है वो एंटीजन के नाम पर रखा जाता है, क्लियर। और जब भी एक व्यक्ति का ब्लड दूसरे व्यक्ति को चढ़ाया जाता है तो जिसको ब्लड चढ़ाया जा रहा है उसके एंटीजन आने वाले ब्लड में एंटीजन जो होते हैं उनको स्कैन करते हैं, मैचिंग करते हैं। अगर एंटीजन मैच हो गए तो कोई दिक्कत नहीं, अगर एंटीजन मैच नहीं हुए तो आने वाले एंटीजन से लड़ने के लिए जो ब्लड है, जो ग्राही का, जो रिसीवर का जो ब्लड है वो क्या करता है, अपने एंटीबॉडीज भेजता है। और एंटीजन एंटीबॉडी की जब लड़ाई चल रही होती है शरीर में तो दोस्तों आपकी जो ब्लड वेसल से आपकी जो रुधिर वाहिनियां वो क्या हो जाती हैं, पिचक जाती हैं, और ये जानलेवा साबित होता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिएगा फिर से मैं बताता हूं कि आपके जो ब्लड ग्रुप्स हैं, आपके जो ब्लड ग्रुप हैं वो कितने हैं बताइए। आपके जो ब्लड ग्रुप हैं वो हैं चार, क्लियर। अब ये चार ब्लड ग्रुप में आप पढ़ोगे एंटीजन कौन सा है और एंटीबॉडी कौन सा है। चार ब्लड ग्रुप में एंटीजन एंटीबॉडी दोनों को आप डिस्कस करोगे, ठीक है, क्लियर। एंटीजन ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी, ब्लड ग्रुप ए बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ओ, चार ब्लड ग्रुप है। कल भी आपको बताया था ए में एंटीजन ए होगा, बी में एंटीजन बी होगा, ए बी में ए और बी दोनों होंगे, ओ के अंदर जीरो एंटीजन। जब एंटीबॉडी की बात चलेगी, एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी बी, एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी ए, यहां पे दोनों तो यहां जीरो, और यहां पे जीरो तो यहां पे दोनों। बात समझ में आ गई क्या? कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक की बात समझ में आ गई क्या? यस और नो में जवाब दीजिएगा। एक बार मैं देख लेता हूं कि किसी टाइप की कोई दिक्कत जो है वो आपको आ तो नहीं रही है। वन सेकेंड, ठीक है, क्लियर। तो चार आपके एंटीजन है, ओके, दो आपके एंटीजन है, चार आपके ब्लड ग्रुप है। मैंने आपको कल समझाया था कि मान लीजिए ए का ब्लड आप बी को चढ़ा रहे हो तो दोस्तों बी क्या करेगा, इसको स्कैन करेगा, देखेगा कि क्या ये मेरे जैसा है, नहीं है, नहीं है तो उससे लड़ने के लिए अपने एंटीजन, अपने एंटीबॉडी भेज देगा, ठीक है। अब दोस्तों अगर एंटीजन एंटीबॉडी की लड़ाई हो रही है शरीर में तो ये खतरनाक है, नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब आप ए का ब्लड बी को नहीं चढ़ा सकते। उल्टा करने की कोशिश करते हैं, उल्टा करने की कोशिश करोगे आप तो आप देखोगे, उल्टा करने की आप कोशिश करोगे तो आप क्या देखोगे, अभी आप क्या कर रहे हो, मान लीजिए अभी आप कर रहे हो, अभी आप ए बी का ब्लड चढ़ा रहे हो, किसको, ए को। अब ए मैच करके देखेगा एंटीजन को, ये एंटीजन ए है और ये ए बी है, सेम एंटीजन है क्या, नहीं है, तो बताओ ए बी के एंटीजनों से लड़ने के लिए ए अपने क्या भेज देगा, एंटीबॉडीज भेज देगा, ये भी खतरनाक है। तो इसका मतलब ये रहा सिंपल सा कि दोस्तों खुद का ब्लड खुद को दिया जा सकता है, क्लियर। खुद का ब्लड खुद को आप दे सकते हो, ए ए को दे सकता है क्योंकि उसका एंटीजन सेम रहेगा, बी बी को दे सकता है क्योंकि बी बी वालों में एंटीजन सेम रहेंगे, ए बी वाला ए बी वाले को दे सकता है क्योंकि एंटीजन सेम रहेंगे। लेकिन दोस्तों ओ वाले को आपने सर्वदाता क्यों कहा है, ओ वाले को सर्वदाता क्यों कहा है, क्योंकि दोस्तों ओ के पास एंटीजन ही नहीं है। तो अगर ओ ब्लड ग्रुप किसी को भी चढ़ाया जा रहा है, मान लो ओ ए को, ए बी को चढ़ा रहे हैं या बी को चढ़ा रहे हैं या ए को चढ़ा रहे हैं, तो जब ये स्कैन करेगा, मान लो ए स्कैन कर रहा है ओ को,
कि भाई इसमें कौन सा एंटीजन है, मिला के देखता हूं, एंटीजन ही नहीं है। अरे समझो यार, आपके घर में कोई आदमी आया, आपने गेट पर उसकी चेकिंग की, पूरी चेकिंग की, आपको कोई हथियार नहीं मिला उसके पास, तो आप उसे कहोगे ना भाई आ जा, क्लीन है, कोई दिक्कत नहीं है, खतरा नहीं है। तो ओ के पास कोई एंटीजन नहीं है, इसीलिए दोस्तों ओ जो ब्लड है वो सबको दिया जा सकता है, क्योंकि उसके पास कोई एंटीजन नहीं है, और एंटीजन नहीं है तो ओ के कारण किसी को कोई भी खतरे की संभावना नहीं है। एबी को दोस्तों क्या बोला जाता है? सर्वग्राही। ऐसा क्यों कहा भाई? ऐसा इसलिए कहा दोस्तों क्योंकि एबी ब्लड ग्रुप के पास एंटीबॉडीज नहीं है। देखो, एंटीजन एंटीबॉडी की लड़ाई बचानी है हमें। अब एबी के पास एंटीबॉडी नहीं है तो कोई भी एंटीजन आ जाए, एबी उससे लड़ नहीं पाएगा, इसीलिए एबी सबका ब्लड ले लेता है, ठीक है। और ओ के पास एंटीजन नहीं है, ये किसी की भी बॉडी में चला जाए तो एंटीजन ही नहीं है, उधर एंटीबॉडी हो तो भी क्या होगा, ताली दोनों हाथों से बजेगी ना, जब एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों हो। तो वही बात है, एबी के पास एंटीबॉडी नहीं है इसलिए सबको आने देता है, ओ के पास एंटीजन नहीं है इसलिए सब इसको जाने देते हैं अपने अंदर, कोई रोकता नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया, एबी जो एबी ब्लड ग्रुप है वो यूनिवर्सल रिसीवर है, वो सबका ब्लड ले सकता है, और जो ओ ब्लड ग्रुप है वो यूनिवर्सल डोनर है, वो सबको ब्लड दे सकता है। तो इसका मतलब एक सिंपल सा कंसेप्ट है कि ओ सबको दे सकता है, ए बी सबसे ले सकता है, बाकी सब अपने अपने को दे सकते हैं, क्लियर। अब इसका एक चार्ट मैं आपको बना के दे रहा हूं, देखिए चार्ट बड़ा काम आएगा दोस्तों। ए ए को ब्लड दे सकता है, ए से ले सकता है, मैंने दोनों तरफ एरो बनाए हैं, ठीक है, क्लियर। बी बी को ब्लड दे सकता है, बी से ले सकता है, ये भी बना दिया। ओ ओ को ब्लड दे सकता है, ओ से ब्लड ले सकता है। ए बी ए बी को ब्लड दे सकता है, ए बी से ब्लड ले सकता है, ठीक है, चारों को बना दिया, क्लियर। अब एक चीज पे गौर करिए कि भैया ओ है यूनिवर्सल डोनर, ठीक है, यहां हम इनको कॉर्नर बना लेते हैं। अब आप बोलेंगे सर ये क्यों बढ़ा रहे हो, बिल्कुल बताऊंगा, इसकी वजह बताऊंगा। देखिए अब यहां पे हमने कॉर्नर बना लिया, अब हम देख रहे हैं कि ओ जो है यूनिवर्सल डोनर है तो ए को देगा, बी को देगा, ए बी को देगा, ठीक है। इधर ए बी यूनिवर्सल रिसीवर है तो ए से लेगा और बी से लेगा, सिंपल। तो ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम में आपने क्या किया देखिए, इस डायग्राम में आपने सिंपल ये किया कि सबसे पहले ए ए को देगा, बी बी को देगा, ए बी को देगा, ओ को देगा, ये बना लिया। इसके बाद सारे तीर ऊपर की तरफ चला दीजिए, ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा। अब आपको देखना क्या है कि चार ब्लड ग्रुप है, आपको देखना है कि अगर आपकी तरफ एरो की जो चोंच है, आपकी तरफ एरो का जो पॉइंट है वो आपकी तरफ आ रहा है, एरो आपकी तरफ आ रहा है तो आप ब्लड ले रहे हो, और एरो आपकी तरफ से जा रहा है तो आप ब्लड दे रहे हो। आपसे पूछता हूं मैं कि ए घायल है, ए घायल है, बताइए इसे कौन कौन ब्लड देगा, ए घायल है, कौन घायल है, ए आपसे पूछ रहा है कौन कौन ब्लड देगा। तो देखिए ए, अब ए की तरफ एक तो आ रहा एरो ये और एक आ रहा ये, तो दो ही लोग ब्लड देंगे, कौन देगा, ए देगा और ओ देगा, क्लियर। आपसे पूछे सर बी घायल है, बी को कौन ब्लड देगा, बी घायल है, बी घायल है तो दोस्तों बी को ब्लड एक तो दे रहा बी और एक दे रहा ओ, को कौन कौन दे रहा है बताइए, बी दे रहा है और ओ दे रहा है। सिंपल सी एक बात ये भी है कि खुद का ब्लड खुद को तो दिया ही जाएगा, तो बी को बी तो देगा ही, साथ में ओ ओ तो सबको देता है। अच्छा आपसे पूछे कि भैया ए बी जो है वो दाता है, ए बी दाता है, ए बी किसको दे रहा है ब्लड, आपसे पूछ रहा है कि ए बी ब्लड ग्रुप दाता है, बताओ ये किसको ब्लड देगा। तो आप देखिए ए बी, अब ए बी देखो ए से ले रहा है, ओ से ले रहा है, बी से ले रहा है, लेकिन इधर ए बी को क्या कर रहा है, दे रहा है। तो ये बताओ केवल किसको ब्लड दे पाएगा, ए बी को दे पाएगा। आपसे मैं पूछ रहा हूं ए दाता है, ए आपका ब्लड दे रहा है, किसको देगा, तो देखिए ए ए बताओ इधर ओ से ले रहा है, ए से ले रहा है, लेकिन ए बी को दे रहा है और ए को दे रहा है, खुद को देगा, साथ में ए बी को तो सब देते हैं, ए बी को देगा। तो ये डायग्राम आपकी हेल्प इस चीज में करेगा कि कौन किससे ब्लड ले सकता है और कौन किसको ब्लड दे सकता है। क्या ये बात समझ में आ गई बच्चों, क्या ये डायग्राम दिमाग में बैठ गया? चोंच आपकी तरफ आ रही है तो ब्लड ले रहे हो, और चोंच आपकी तरफ से जा रही है तो ब्लड दे रहे हो, दैट इज बेसिक। बोलिए समझ में आ गया क्या, समझ में आ गया क्या, यस और नो में जवाब दीजिएगा और स्क्रीनशॉट लीजिएगा कि भैया कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर। यहां तक बात क्लियर हुई। अब देखो लैंडस्टीनर जी ने कहा कि भैया इसके अकॉर्डिंग ब्लड दे दो, आपको कहीं होकर कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन दोस्तों
कुछ केसेस ऐसे मिले जिनमें हमने मैचिंग के बाद ब्लड चढ़ाया, मान लो ए का ब्लड आपको चढ़ाना था या फिर रोगी जो था वो ए था, तो रोगी ए था तो आप ब्लड उसको किसका चढ़ाओगे, ए का या ओ का, आपने मिलान करके चढ़ाया, ए का चढ़ाया, ए का ब्लड ए को चढ़ाया फिर भी रोगी को खतरा हुआ, रोगी की तबीयत खराब हो गई है ना, कई मृत्यु भी हो गई, तो लोगों ने लैंडस्टीनर को लेटर लिखा कि तू मरवाएगा लोगों को, तू क्या कर रहा है, तेरा नियम तो गलत है, तू जो कह रहा है उसके हिसाब से तो गड़बड़ हो रही है। तो दोस्तों सन 1940 में, याद रखिएगा, सन 1940 में जो लैंड स्टीनर है इन्होंने एक असिस्टेंट पकड़ा, लैंड स्टीनर प्लस वीनर, लैंड स्टीनर ने एक असिस्टेंट पकड़ा वीनर, और ये दोनों गए जंगल में, है ना, जंगल में इन्होंने पकड़ा एक बंदर जिसका नाम था मकाका रीसस बंदर, क्या पड़ा था, मकाका रीसस बंदर, और मकाका रीसस बंदर के ब्लड को वापस से इन्होंने चेक किया। तो दोस्तों मकाका रीसस बंदर में किसकी खोज कर डाली, आरएच कारक की खोज, आरएच फैक्टर की खोज। अब ये पूछ ले ये आरएच क्या है, तो दोस्तों आरएच भी एक एंटीजन है, आरएच भी क्या है, एंटीजन, जैसे ए और बी आपने एंटीजन पढ़े उसी तरह आरएच भी क्या है दोस्तों, एंटीजन। आरएच जो नाम है वो रीसस में जो आर एच ई एस यू एस होता है स्पेलिंग, तो रीसस में स्टार्टिंग के दो वर्ड है उनसे लिया गया है, तो जो आर एच फैक्टर है आपका वो एक एंटीजन है, तो एंटीजन है तो इसका मतलब जैसे आप ए और बी एंटीजन की मैचिंग करते हो, आपको इसी तरह आर एच को भी क्या करना पड़ेगा, मैच करना पड़ेगा। अब आर एच के बारे में बात रही दोस्तों कि ये एक एंटीजन है, जिन लोगों में ये एंटीजन पाया जाता है उन्हें आर एच प्लस या आर एच धनात्मक कहते हैं, और जिन लोगों में ये एंटीजन नहीं पाया जाता उन्हें क्या कहते हैं, आर एच ऋणात्मक कहते हैं। क्लियर, बात समझ में आ गई। जैसे मान लो ए है बी है बी है, ए बी है ए बी है, ओ है ओ है। अब इसका मतलब क्या है, ए ब्लड ग्रुप में वो लोग जिनमें आर एच एंटीजन है उसको क्या बोल दोगे, ए प्लस, जिनमें नहीं है उसको ए नेगेटिव, बी में जिन पे है उनको बी प्लस, जिनमें नहीं है उनको बी नेगेटिव, ए बी में जिनके पास आर एच एंटीजन है वो ए बी प्लस, जिनमें नहीं है वो ए बी नेगेटिव, ओ में जिनके पास है ओ पॉजिटिव, जिनमें नहीं है उसको क्या बोल दिया, ओ नेगेटिव। क्लियर, तो इस तरीके से टोटल कितने ब्लड ग्रुप आ गए आपकी नजर में, 8 ब्लड ग्रुप्स आ गए। ठीक है, तो जिन व्यक्तियों के ब्लड में आर एच एंटीजन पाया जाता है उन्हें आर एच पॉजिटिव आर एच धनात्मक कहते हैं, जिनके ब्लड में आर एच एंटीजन नहीं पाया जाता उन्हें आर एच नेगेटिव या आर एच ऋणात्मक कहते हैं। दोस्तों अकॉर्डिंग टू डिटेल्स आर एच पॉजिटिव लोगों की संख्या 93% है इंडिया में, इंडिया में कितनी है बताइए, 93%, और वर्ल्ड में 85% आर एच पॉजिटिव लोग हैं। क्लियर, और इंडिया में 7% आर एच नेगेटिव हैं, और वर्ल्ड की बात अगर करें तो 15% इन वर्ल्ड, तो वर्ल्ड में आर एच नेगेटिव लोगों की संख्या कितनी है बताइए, 15%, और इंडिया में कितने परसेंट है, इंडिया में 7% आर एच नेगेटिव, आर एच पॉजिटिव वर्ल्ड में आपके 85, इंडिया में आपके 93। क्लियर, अब एक चीज पे गौर करिएगा, देखो ए बी और ओ उसका तो हमने समझ लिया कौन किसको ब्लड दे सकता है कौन किसको ब्लड ले सकता है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं आर एच पॉजिटिव, तो देखिए आर एच पॉजिटिव का ब्लड आर एच पॉजिटिव को चढ़ाया जा सकता है, मतलब पॉजिटिव का ब्लड पॉजिटिव को चढ़ा सकते हो, नेगेटिव का ब्लड नेगेटिव को चढ़ा सकते हो। क्लियर, अब दोस्तों पॉजिटिव का ब्लड नेगेटिव को नहीं चढ़ा सकते, क्यों नहीं चढ़ा सकते, क्योंकि पॉजिटिव का मतलब क्या है दोस्तों, पॉजिटिव का मतलब है कि इसके पास एंटीजन है, और नेगेटिव का मतलब है इसके पास एंटीजन नहीं है, तो जिसके पास एंटीजन है उसका अगर ब्लड आप किसी के अंदर भी चढ़ाओगे तो उसके लिए क्या बनेगा, वो एंटीजन खतरा बनेगा। क्लियर, अच्छा आर एच नेगेटिव का ब्लड आर एच पॉजिटिव में चढ़ाया जाए तो कोई दिक्कत है क्या, नहीं, चढ़ा सकते हो, यहां 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 कोई दिक्कत नहीं है। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों, प्लस का माइनस को नहीं चढ़ाने दे रहे हो लेकिन माइनस का प्लस को चढ़ाने दे रहे हो, वो इसलिए क्योंकि दोस्तों माइनस का मतलब क्या, एंटीजन नहीं है, एंटीजन नहीं है तो जिसके पास एंटीजन नहीं है वो किसी के भी घर में जाए कोई खतरा करेगा क्या, नहीं, समान वाला समान के घर में जाए कोई दिक्कत नहीं है, समान वाला समान के घर में जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां इसके पास खतरा है और ये जा रहा है सीधे साधे लोगों के घर में, वहां खतरा कर सकता नहीं, कर सकता, कर सकता है, इसलिए आप ब्लड नहीं चढ़ाओगे। तो आप एक ही बात दिमाग में रखोगे क्या, कि भैया एक चीज तय है कि आर एच पॉजिटिव का ब्लड
आरएच नेगेटिव की बॉडी में कभी नहीं भेजना है। एक चीज मतलब गांठ बांध लीजिए दिमाग में कि आपको मैंने बताई दिया ए का ब्लड ए को, बी का बी को, ए बी का ए बी को, ओ का ओ को आप दे सकते हो, ओ को सब, ओ सबको दे सकता है, ए बी को सब दे सकते हैं, वो मैंने समझा दिया, चार्ट भी समझा दिया। लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव में आप क्या ध्यान रखोगे कि प्लस का ब्लड माइनस की बॉडी में कभी नहीं पहुंचाना है, बाकी जो हो जाए चलेगा, प्लस का प्लस को चलेगा, प्लस का माइनस को चलेगा, माइनस का प्लस को चलेगा, प्लस का माइनस को नहीं चलेगा। क्या ये बात दिमाग में बैठ रही है? चलिए अब मैं इसको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में एक्सप्लेन करता हूं। अच्छा दोस्तों, दुनिया में मैक्सिमम ब्लड ग्रुप की बात करते हैं, दुनिया में मैक्सिमम ब्लड ग्रुप कौन सा पाया जाता है, ये अगर कोई आपसे पूछे तो आप कहोगे ओ पॉजिटिव, क्लियर। और दुनिया में मिनिमम ब्लड किसका पाया जाता है दोस्तों, मिनिया में मिनिमम ब्लड ग्रुप पाया जाता है ओ नेगेटिव अकॉर्डिंग टू रिसेंट डेटा। सबसे ज्यादा पाया जाने वाला ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव और सबसे कम पाया जाने वाला ब्लड ग्रुप कौन सा है आपका, ए बी नेगेटिव है, ठीक है, ये बेसिक्स है, क्लियर। अब मैं समझाता हूं, मान लीजिए देखिए, अब मैं आपको समझाता हूं कि ए पॉजिटिव घायल है, ए पॉजिटिव घायल है, इसे कौन बचाएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा, तो पॉजिटिव छोड़िए पहले, आप ये ढूंढिए ए को ब्लड कौन कौन देगा। तो दोस्तों ए को एक तो देगा ए और एक देगा ओ, ये सही है। अच्छा किसके शरीर में जाना है, पॉजिटिव के, तो पॉजिटिव के शरीर में पॉजिटिव तो जाएगा ही, कोई दिक्कत नहीं है, इसका मतलब ए को ब्लड ए और ओ देंगे। अब पॉजिटिव वाला पॉजिटिव वालों को तो देगा, अब हमें यह सोचना है कि क्या ओ नेगेटिव और ए नेगेटिव भी ब्लड देंगे इसको। तो दोस्तों माइनस का ब्लड प्लस में जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, तो चार लोग ब्लड देंगे, कौन कौन, ए पॉजिटिव ए नेगेटिव, ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव। अच्छा अभी आपसे बोल दिया जाए कि ए नेगेटिव घायल है, अब घायल कौन है, ए नेगेटिव है, तो बताओ अभी भी ब्लड कौन कौन देगा, ए और ओ देंगे, लेकिन अच्छा नेगेटिव को नेगेटिव तो देगा ही, लेकिन क्या ए पॉजिटिव और ओ पॉजिटिव ब्लड दे पाएंगे, नहीं, क्योंकि आपको बोला है कुछ भी कर लेना लेकिन प्लस को माइनस के शरीर में मत भेजना, प्लस को माइनस के शरीर में मत भेजना, तो केवल कौन कौन ब्लड देंगे। तो इसका मतलब एक चीज समझो, माइनस को सिर्फ माइनस ही ब्लड देगा, जबकि प्लस भी दे सकता है और माइनस भी दे सकता है। बात समझ में आ गई क्या? अब एक क्वेश्चन आप करोगे, आप मुझे बताओगे कि ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव में से वास्तविक सर्वग्राही कौन है, ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव में से वास्तविक सर्वग्राही कौन सा है, आप मुझे बताओगे दोनों में से वास्तविक सर्वग्राही कौन सा है, आप बताना। तो दोस्तों दिमाग लगाना कि सर्वग्राही उसे बोलते हैं जो सबसे ले, लेकिन दोस्तों नेगेटिव वाला तो केवल नेगेटिव वालों से लेगा, पॉजिटिव वालों से नहीं लेगा, जबकि पॉजिटिव वालों से भी लेगा और नेगेटिव वालों से भी लेगा, इनसे भी लेगा। तो दोस्तों आपसे पूछा जाए वास्तविक सर्वग्राही कौन है, तो आपका आंसर जाएगा ए बी पॉजिटिव। किसको बोलोगे, ए बी पॉजिटिव को। आपसे कोई पूछ ले कि वास्तविक सर्वदाता बताओ ओ नेगेटिव और ओ पॉजिटिव में से, वास्तविक सर्वदाता ओ नेगेटिव और ओ पॉजिटिव में से, अब समझो पॉजिटिव केवल पॉजिटिव को दे सकता है, जबकि नेगेटिव पॉजिटिव को भी दे सकता है और नेगेटिव को भी दे सकता है, समझाया ना। तो क्वेश्चन क्या बन गया, ले देकर क्वेश्चन ये बन गया कि अगर आपसे वास्तविक सर्वदाता पूछे, आपसे रियल यूनिवर्सल डोनर पूछे, तो आपका आंसर जाएगा ओ नेगेटिव, और अगर आपसे वास्तविक क्या पूछे, सर्वग्राही पूछे, तो आपका आंसर जाएगा ए बी पॉजिटिव। बात समझ में आ गई, दोनों चीजों को दिमाग में बिठा लेना, क्लियर, ओके, कंसेप्ट क्लियर हुआ। क्या कंसेप्ट है, तीन चार लाइन पे कंसेप्ट चलता है, एक तो वो चार्ट जो मैंने आपको बनवाया, दूसरा क्या, दूसरा ये कि प्लस का ब्लड प्लस को जाएगा नो प्रॉब्लम, माइनस का माइनस को जाएगा नो प्रॉब्लम, माइनस का प्लस को जाएगा नो प्रॉब्लम, लेकिन प्लस का माइनस को नहीं जाना चाहिए, ये एक कंसेप्ट दिमाग में बिठा लीजिए, क्वेश्चन आपका कभी भी आपको मात नहीं दे सकता। तो दोस्तों क्या ये बात आपको समझ में आ गई, क्या बोलो, क्लियर है, बढ़ूं आगे, चलिएगा, आज ये टॉपिक आपका फाइनल हो जाएगा। देखो इसका मतलब सिंपल सा ये है, आपसे पूछे बी नेगेटिव
बी पॉजिटिव किसको ब्लड दे सकता है, वी पॉजिटिव किसको रुधिर देगा, जवाब दो मुझे जल्दी से, बी पॉजिटिव किसको रुधिर देगा, बी पॉजिटिव किसको देगा, इंतजार कर रहा हूं कमेंट बॉक्स के आंसर का, बी पॉजिटिव किसको ब्लड देगा, टेल मी, बी पॉजिटिव किस किस को ब्लड देगा। अब देखो पॉजिटिव को मारो गोली, पहले यह पता करो कि बी ब्लड किस किस को देगा, एक तो बी को देगा और एक ए बी को देगा। ऊपर जो चिन्ह लिखा होता है उसको देते समय लेते समय कॉपी कर दो। अब कॉपी करने के बाद दूसरा कौन सा बचा है, ए बी नेगेटिव और बी नेगेटिव, बी प्लस क्या नेगेटिव वालों को दे सकता है क्या, यही तो समझाया था, प्लस वाला माइनस वालों को कभी नहीं देगा। तो केवल दो लोग बच गए जिनको ये ब्लड दे सकता है, कौन कौन बच गए बताइए, आपके बच गए, आपके बच गए बी पॉजिटिव और ए बी पॉजिटिव। कोई दिक्कत, समझ में आ गया कंसेप्ट, बी पॉजिटिव और ए बी पॉजिटिव को देगा, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो कंसेप्ट क्लियर हो गया, चले आ गया। अब दोस्तों एक समस्या होती है, मैं आपको बताता हूं एक प्रॉब्लम जिसे मैं पढ़ा रहा हूं, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, याद रखना बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं दोस्तों, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस या इसको बोला जाता है गर्भ रक्ताणु को रक्ता। आज की क्लास 10-20 मिनट आपके लंबी रहेगी क्योंकि टॉपिक फिनिश आपका करना है, अकॉर्डिंग टू शेड्यूल चलना है, गर्भ रक्ताणु को रक्ता, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। देखिए क्या होता है दोस्तों, यदि एक RH प्लस पुरुष की शादी, समझना एक एक क्वेश्चन एक एक लाइन से क्वेश्चन बनता है, यदि एक RH पॉजिटिव पुरुष की शादी RH नेगेटिव स्त्री से हो जाती है, क्लियर, शादी हो गई। आपने सुना होगा दोस्तों गांव में बहुत सी महिलाएं ऐसी होती हैं जिनमें एक बच्चा स्वस्थ पैदा हो जाता है लेकिन उसके बाद के बच्चे पेट में मरने लग जाते हैं, गर्भावस्था में खत्म होने लग जाते हैं, तरह तरह के झाड़ फूंक टोने टोट के हम करते हैं लेकिन हमें वास्तविक वजह पता नहीं होती, वो वास्तविक वजह ही हमें पता करनी है। देखिएगा दोस्तों, RH पॉजिटिव पुरुष की शादी RH नेगेटिव स्त्री से हो गई। अब एक चीज समझना यार, कि आपको पता है कि 93% जो बच्चे हैं वो कैसे पैदा हो रहे हैं, पॉजिटिव पैदा हो रहे हैं इंडिया में, क्लियर। फिर भी ये चोरी, अगर पॉजिटिव नेगेटिव जब मदर फादर हैं तो दोस्तों प्रथम RH पॉजिटिव संतान, पहली RH पॉजिटिव संतान आई। अब RH नेगेटिव पर, RH नेगेटिव संतान चाहे कितनी भी हो ले, RH नेगेटिव संतान पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि समझो इस बात को, क्योंकि RH नेगेटिव संतान है, मां भी RH नेगेटिव है, RH नेगेटिव की दोस्ती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहली बार RH पॉजिटिव संतान आई, भले ही टोटल संतानों में इसका तीसरा नंबर है, फर्क नहीं पड़ता भाई, टोटल संतानों में तीसरा नंबर का मतलब है दो 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 संतान पहले RH नेगेटिव होली, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम कब आएगी? जब पहली RH प्लस संतान होगी। पहली RH प्लस संतान जैसे ही RH नेगेटिव की बॉडी में जाएगी तो बताओ प्लस जा रहा है माइनस के शरीर में। अब ब्लड चढ़ाने से पहले तो हम तय कर लेते हैं कि भाई चेक कर लेते हैं कि भैया जो पेशेंट है वो नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाला है तो पॉजिटिव वाला ब्लड मत चढ़ाओ। लेकिन यार बच्चे का ब्लड ग्रुप कैसे पता करेगी वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, वो तो प्रेगनेंसी हो जाएगी फिर बच्चा थोड़ा बड़ा होगा उसका ब्लड बनेगा तब पता चलेगा यार, तो उसको कैसे मैनेज करें। तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि RH प्लस बच्चा RH माइनस की बॉडी में रह रहा है तो ये जो माइनस बॉडी है मां की ये इसको क्या समझेगी, एंटीजन समझेगी। लेकिन पहली बार में इसके पास एंटीबॉडी नहीं होते, पहली बार में इसके पास में क्या नहीं होते, एंटीबॉडी नहीं होते, एंटीबॉडी नहीं होते तो ये बच्चा कैसा पैदा हो जाता है, स्वस्थ पैदा हो जाता है। मतलब पहला RH प्लस संतान भी स्वस्थ पैदा हो जाएगा, आपके नजर में स्वस्थ पैदा हो गया कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुकी, क्या कि RH नेगेटिव जो स्त्री है इसके इम्यून सिस्टम को समझ में आ गया कि ये कोई शत्रु आकर गया है, कोई एंटीजन आकर गया है, ये वापस आ सकता है। तो पहली डिलीवरी के बाद दूसरी प्रेगनेंसी तक जो मदर का बॉडी है, मदर का इम्यून सिस्टम है, वो दोस्तों एंटीबॉडीज बना लेता है। तो प्रथम RH प्लस संतान के बाद जैसे ही दूसरी RH प्लस संतान आती है, दूसरी RH प्लस संतान आती है तो दोस्तों इसकी क्या हो जाती है, गर्भावस्था में RBC का पाचन, गर्भावस्था में RBC का क्या हो जाता है बच्चों, गर्भावस्था में RBC का पाचन हो जाता है, RBC का डाइजेशन हो जाता है।
और गर्भावस्था में आरबीसी का पाचन हो जाता है, डाइजेशन हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में वो बच्चा पेट में क्या हो जाता है, मर जाता है। इसलिए इसको बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। वैसे जुगाड़ू लैंग्वेज में एक डेफिनेशन सेट कर दूं इसकी, एरिथ्रो का मतलब होता है आरबीसी, ब्लास्टोसिस ब्लास्ट, ब्लास्ट का मतलब ब्लास्ट हो जाना, फट जाना, और फिटेलिस फीटस बोलते हैं भ्रूण को, भ्रूण की आरबीसी का फट जाना। तो दोस्तों आरएच प्लस पुरुष की शादी आरएच नेगेटिव स्त्री से करोगे तो यही देखने को मिलेगा, क्लियर। इसका मतलब है नेगेटिव स्त्री अगर कोई है तो उसकी शादी नेगेटिव पुरुष से ही होनी चाहिए, पॉजिटिव से नहीं होनी चाहिए। ये जो शादी हुई है इसको अमेल विवाह कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अमेल विवाह। तो अगर अगर कोई महिला, पुरुष नेगेटिव होगा महिला पॉजिटिव होगी कोई दिक्कत नहीं है, क्यों? क्योंकि बच्चा मां की बॉडी में पलता है। पॉजिटिव अगर मदर होगी, मदर का ब्लड पॉजिटिव होगा, तो आपको पता है पॉजिटिव बॉडी में पॉजिटिव ब्लड वाले व्यक्ति को पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चढ़ाए जा सकते हैं, तो उसको दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत कब होगी? जब मदर आरएच नेगेटिव हो और संतानें हो रही हो पॉजिटिव वाली, तब दिक्कत है, ठीक है। तो इसको अमेल विवाह कहते हैं। अब इसका इलाज क्या है? मान लो किसी की शादी हो गई, अब क्या इलाज क्या है सर? तो इलाज ये है दोस्तों, प्रथम प्रसव के 24 घंटे के अंदर, प्रथम प्रसव के 24 घंटे के अंदर, प्रथम प्रसव के 24 घंटे के अंदर आपको इंजेक्शन लगवाना पड़ता है। इस इंजेक्शन को क्या बोलते हैं? इस इंजेक्शन को बोलते हैं आपके एंटी आरएच इंजेक्शन, या इसी को आरएचडी बोलते हैं, या इसी को एंटीडी इंजेक्शन बोलते हैं, या इसमें आईजीजी एंटीबॉडी डाले जाते हैं, आईजीजी प्रतिरक्षी डाले जाते हैं आईजीजी, या फिर इसको रोगाम इंजेक्शन बोलते हैं। कुछ भी नाम पेपर में आ सकता है ना, एलडीसी एग्जाम राजस्थान में रोगाम पेपर में दिया गया था। तो दोस्तों गर्भ रक्ताणु कोरकता की समस्या कब होती है? जब दोस्तों जब पिता हो आरएच पॉजिटिव, मां हो आरएच नेगेटिव और संतानें हो रही हो आरएच पॉजिटिव। तो पहली आरएच प्लस संतान को तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन एंटीबॉडी तभी से बनना स्टार्ट हो जाते हैं और उसके उसके बाद की जितनी भी आरएच प्लस संतानें हैं वो गर्भावस्था में ही आरबीसी के पाचन के कारण क्या होने लग जाती है दोस्तों? मरने लग जाती है। इस समस्या को एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, या इस समस्या को दोस्तों गर्भ रक्ताणु कोरकता के नाम से मित्रों जाना जाता है। क्या ये बात आपके दिमाग में बैठ गई? क्लियर? तो ये समस्या विशेष रूप से ध्यान रखिएगा और एग्जाम में काफी क्वेश्चंस यहां से आते हैं। अब ब्लड ग्रुप से रिलेटेड कुछ फैक्ट जो मैंने अपने नोट्स में आपको दिए हैं, नोट्स कल शायद नहीं डल पाए, आज डल जाएगा आपको, तो नोट्स में आपको दे रखा है कि कुछ दुर्लभ ब्लड ग्रुप भी हैं यहाँ पे। जैसे एक ब्लड ग्रुप है एचएच ब्लड ग्रुप या बॉम्बे ब्लड ग्रुप, मतलब ये जो आपके ए बी और ओ, ये चार ब्लड ग्रुप के अलावा मतलब 10-20-50 हजार लोगों में से एक व्यक्ति में कुछ अदर ब्लड ग्रुप भी मिल जाते हैं। जैसे एक ब्लड ग्रुप है जिसको बोलते हैं एचएच ब्लड ग्रुप या बॉम्बे ब्लड ग्रुप। बॉम्बे में डिस्कवरी हुई थी डॉक्टर YM भिंडे द्वारा। ये ब्लड ग्रुप 50 हजार व्यक्तियों में से एक व्यक्ति के अंदर लगभग मिलता है, तो रेयर है, क्लियर। इसी तरह एक ब्लड ग्रुप मिला दोस्तों इनरा। कौन सा ब्लड ग्रुप मिला? इनरा। 3 सितंबर 2016 को गुजरात में एक ब्लड डोनेशन कैंप के अंदर ये ब्लड ग्रुप मिला। और दोस्तों ये ब्लड ग्रुप अभी तक दुनिया में एक ही व्यक्ति में मिला है। ये व्यक्ति ना किसी को ब्लड दे सकता है ना किसी से ब्लड ले सकता है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर है, ठीक है। और डॉक्टर्स ने भी ऐसा बोला है कि ऐसा ब्लड ग्रुप मैक्सिमम 7 लोगों में अवेलेबल हो सकता है, अभी एक व्यक्ति में मिला है। और इस ब्लड ग्रुप को इनरा नाम दिया गया है। IN का मतलब है इंडिया और RA का मतलब है व्यक्ति का नाम जिसमें मिला है। तो व्यक्ति के नाम और इंडिया को मैच करते हुए इसका जो नाम रखा गया वो क्या रखा गया? इनरा ब्लड ग्रुप, क्लियर। इनरा 3 सितंबर 2016 को गुजरात में इसकी क्या हुई थी दोस्तों? डिस्कवरी हुई थी, ठीक है, क्लियर। अच्छा, इसी तरह एक ब्लड ग्रुप है दोस्तों जिसको बोलते हैं आरएच नल या गोल्डन ब्लड। आरएच नल दोस्तों, आरएच नल इसको बोलते हैं, इसमें किसी भी टाइप का कोई भी एंटीजन नहीं है, किसी भी टाइप का कोई भी एंटीजन नहीं है इसके अंदर, किसी भी टाइप का कोई भी एंटीजन नहीं है, क्लियर। अब ये जो आरएच नल ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है इसको गोल्डन ब्लड भी कहते हैं। और पिछले डेटा के अकॉर्डिंग, मतलब अब तक जो अवेलेबल डेटा है इसके अकॉर्डिंग 43% के पास ये आपका ब्लड है। अब इनरा में और इसमें डिफरेंस क्या है? इनरा वाला ना किसी को दे सकता ना किसी को ले सकता, लेकिन एंटीजन इसमें बिल्कुल नहीं है, तो दोस्तों ये सबको दे सकता है, इसलिए इसको गोल्डन ब्लड बोला है, सबको दे सकता है लेकिन
ले स्वयं से सकता है, ले स्वयं से सकता है, मतलब दे तो सबको सकता है लेकिन लेगा केवल उसी व्यक्ति से जिसमें जिसमें आरएच नल ब्लड होगा। इसलिए दोस्तों जो WHO है वो कहता है कि जिन लोगों का ब्लड ग्रुप आरएच नल है वो लगातार ब्लड डोनेट करते रहें ताकि आपस में जब इनको एक दूसरे की जरूरत पड़े तो ये आपस में ब्लड दे लें। तो आरएच नल जो होता है इसको गोल्डन ब्लड के नाम से जाना जाता है, इसमें किसी भी टाइप के एंटीजेंस नहीं होते, सबको ब्लड दे सकते हैं, ले केवल स्वयं से सकते हैं। जबकि इनरा वाला जो व्यक्ति है ये किसी को ना देता है ना किसी से लेता है। दोस्तों क्लियर हुआ? याद रखिएगा इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में सामने देखने को मिल सकता है, ठीक है, क्लियर। तो ब्लड और ब्लड ग्रुप का जो कंसेप्ट है वो आपका फाइनल, ठीक है। अब मैं आगे चलता हूं और आपको हर्ट के बारे में समझाता हूं, ठीक है। हर्ट के बारे में सब कुछ प्रॉपरली यू तो नोट्स में लिखा हुआ है, लेकिन मैं मतलब एक बार में प्रॉपर आपको हर्ट का जो फ्लो है वो मैं आपको एक बार में बता देता हूं, हर्ट की जो बेसिक बेसिक बातें हैं। नोट्स में वैसे सब कुछ है आपके पास हर्ट, तो मैं कुछ चीजें बर्बली आपको सबसे पहले बताता हूं। दोस्तों हृदय जो है एक बंद मुट्ठी के आकार का त्रिकोणाकार अंग है, बंद मुट्ठी के जैसा है, त्रिकोणाकार अंग है, मस्कुलर ऑर्गन है, मांसपेशीय अंग है। यानी हर्ट हमारा किसका बना होता है? मसल्स का बना होता है, मांसपेशियों का बना होता है, एक तरीके से कह सकते हैं मांस का लोथड़ा है, क्लियर। हृदय दोस्तों शरीर के लगभग लगभग जो वक्ष स्थल है, चेस्ट पार्ट है, जो वक्ष स्थल है, थोरेसिक पार्ट बोलते हैं इसको, जो वक्ष भाग है उसमें हल्का सा दाईं ओर, हल्का सा बीच से दाईं ओर खिसका हुआ होता है। और आपकी जो 12 जोड़ी पसलियां हैं, 12 जोड़ी पसलियां रिब्स, उन पसलियों के नीचे आपका हर्ट क्या रहता है? प्रोटेक्टेड रहता है, सुरक्षित रहता है। हृदय दोस्तों हमारा मांसपेशियों का बना है, इसलिए हमारे हृदय को मायोजेनिक हर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मायोजेनिक हर्ट। दोस्तों हृदय हमारे शरीर का सबसे व्यस्त अंग है, द बिजिएस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, लगातार धड़कता है। जिस दिन ये बंद हो गया आप बंद हो जाओगे, मतलब ये तब तक धड़कता है जब तक आप जिंदा हो, क्लियर। तो हृदय जो है हमारे बॉडी में भी सबसे पहले स्टार्ट होने वाला एक्टिव ऑर्गन, बॉडी का सबसे पहला ऑर्गन जो एक्टिव हो जाता है बहुत अच्छे से, वो आपका हार्ट है। और सबसे एंड तक आपका ये क्या देता है दोस्तों? साथ देता है। साथ ही साथ हृदय की अगर बात करें तो हृदय की जो मांसपेशियां हैं वो कभी ना थकने वाली मांसपेशियां हैं, वो नॉन फटीग मसल्स हैं, उनमें कभी भी थकान नहीं होती है, वो बिजिएस्ट मसल्स हैं, वो लगातार क्या करती हैं दोस्तों? कार्य करती हैं। वेट की अगर बात करोगे तो दोस्तों हृदय के वेट की अगर आप बात करते हैं तो पुरुषों में लगभग लगभग 300 ग्राम और महिलाओं में लगभग लगभग 280 ग्राम का आपके क्या पाया जाता है? हर्ट पाया जाता है। 280 ग्राम महिलाओं में, लगभग 300 ग्राम किसके अंदर? पुरुषों के अंदर। दोस्तों हृदय की अगर आप बात करते हैं तो हृदय का जो आवरण कहलाता है आपका, हृदय का जो आवरण कहलाता है इसको बोलते हैं कार्डियम। हृदय के आवरण को क्या कहते हैं? कार्डियम। और जो कार्डियम है इसकी तीन लेयर होती हैं, क्लियर, एपिकार्डियम या फिर पेरिकार्डियम, एपिकार्डियम या पेरिकार्डियम, दूसरी मायोकार्डियम और तीसरी एंडोकार्डियम। एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम, क्लियर। वैसे तीन लेयर हैं लेकिन एनसीईआरटी 12th क्लास में, एनसीईआरटी 11th क्लास, सॉरी, उसने कितनी लेयर दी हुई है? दो। उसने मायोकार्डियम को नहीं लिखा हुआ है। तो याद रखेंगे हृदय के आवरण को क्या कहते हैं दोस्तों? कार्डियम कहते हैं, है ना, हृदय की झिल्ली भी कह सकते हो। बाहरी, बाहर की सबसे बाहरी कौन सी है बताइए? पेरिकार्डियम या एपिकार्डियम लिखते हैं। आंतरिक को एंडोकार्डियम कहते हैं, मध्य वाली को मायोकार्डियम कहते हैं। तीन लेयर है बेसिकली, लेकिन एनसीईआरटी ने कितनी दी हुई है? दो। इनमें मायोकार्डियम को उन्होंने नहीं इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट बात की अगर मैं चर्चा करूं तो दोस्तों हर्ट जो है आपका, जो आपके मछलियां हैं, जो आपके फिशेज हैं, मछलियों में जो हर्ट है उसमें कितने चैम्बर है बताओ? दो चैम्बर हैं, दो कक्षीय हृदय है। दो कक्षीय में एक आपके पास आलिंद है, दूसरा आपका, एक आपके पास आलिंद है और एक आपके पास निल है, यानी एक आपके पास एट्रियम है और दूसरा आपके पास क्या है? वेंट्रिकल है, क्लियर। तो दो कक्षीय हृदय मछलियों में। जब बात आती है मछलियों में, याद रखेंगे कितना चैम्बर? दो चैम्बर हार्ट के अंदर। दूसरा बात करते हैं दोस्तों उभयचर, उभयचर प्लस सरीसृप। उभयचर किसको बोलते हैं? एम्फीबियंस, जिसमें आते हैं आपका मेंढक, मेंढक वगैरह, एम्फीबिया,
और सरीसृप में आते हैं सांप वगैरह रेप्टाइल्स। उभयचर और रेप्टाइल्स में कितने कक्षीय हृदय होता है? तीन कक्षीय। तीन कक्षीय में दो आपके आलिंद होते हैं और एक आपका निलय होता है, क्लियर। और जब बात करते हैं दोस्तों पक्षी और स्तनधारी की, पक्षी प्लस स्तनधारी, पक्षी प्लस स्तनधारी में कितने कक्षीय हृदय? बर्ड्स प्लस मैमल्स, बर्ड्स प्लस मैमल्स, तो इनमें कितना कक्षीय हृदय है दोस्तों? चार कक्षीय हृदय है, चार चैम्बर है, चार चैम्बर में दो आपके पास आलिंद है और दो आपके पास निलय है, क्लियर। तो ये एक बेसिक डिस्क्रिप्शन है। अब देखिए समझिएगा, कुछ बताने जा रहा हूं। एम्फीबियन एंड रेप्टाइल में तीन कक्षीय हृदय, पक्षी स्तनधारी में चार कक्षीय हृदय। तो मछलियों में दोस्तों एक आलिंद एक निलय है, तो आलिंद जो होता है ना आर्ट्रियम, उससे ब्लड आता है हार्ट में, निलय से निकलता है, तो एक तरफ से ब्लड आ रहा है एक तरफ से निकल रहा है, क्लियर। तो दोस्तों इनका जो परिसंचरण है, इनका जो सर्कुलेशन है परिसंचरण, वो कैसा है दोस्तों? एकहरा है, सिंगल सर्कुलेशन है, है ना। आपसे पूछा जाए किन में एकहरा परिसंचरण पाया जाता है, तो आप क्या बोलेंगे दोस्तों? तो आप बोल देंगे मछलियां। और मछलियों का जो हार्ट है इसको वीनस हार्ट बोलते हैं। मछलियों के हार्ट को क्या नाम दिया जाता है अलग से? वीनस हृदय, वीनस हार्ट नाम दिया जाता है मछलियों के हृदय को। पक्षी और एम्फीबियन और रेप्टाइल की बात करें तो दो आलिंद है, मतलब ब्लड आता दो रास्तों से है और जाता एक रास्ते से है, तो इसको बोला जाता है अपूर्ण दोहरा परिसंचरण। क्या बोलते हैं? अपूर्ण दोहरा, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, इनकम्प्लीट डबल। और जब पक्षी और स्तनधारी की बात आती है मैमल्स और बर्ड्स की, तो चार चैम्बर है हार्ट में, दो आट्रियम से ब्लड आता है और दो वेंट्रिकल से निकल जाता है, क्लियर। तो इसका मतलब यह है कि दोस्तों हमारा जो सर्कुलेशन है वो कंप्लीट डबल सर्कुलेशन है, पूर्ण दोहरा परिसंचरण है। समझाऊंगा, एक्सप्लेन भी करूंगा प्रॉपरली। अब दोस्तों यहां एक चीज ध्यान रखेंगे कि सरीसृप जो होते हैं, यहां पे जो सरीसृप है, सरीसृप इनमें एक अपवाद है, अपवाद है आपके पास घड़ियाल, घड़ियाल मतलब क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल आपके पास एग्जाम्पल है, एक्सेप्शन है। क्रोकोडाइल में हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? चार। मतलब रेप्टाइल्स में तीन चैम्बर होने चाहिए थे, लेकिन एक रेप्टाइल आपके पास, एक सरीसृप आपके पास ऐसा भी है क्रोकोडाइल, जिसमें दोस्तों हार्ट में कितने चैम्बर हैं? चार। और दोस्तों इसके अलावा आपको बताता हूं कॉकरोच, जो आपका कॉकरोच होता है इनके हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? 13 चैम्बर, 13 कक्ष होते हैं दोस्तों कॉकरोच के हार्ट में। और इसके अलावा दोस्तों कैचुआ अर्थवॉर्म प्लस ऑक्टोपस, कैचुआ अर्थवॉर्म ये वो एनिमल हैं जिनमें हार्ट मोर देन वन, हृदय एक से ज्यादा, यानी कैचुआ और ऑक्टोपस वो दो लोग हैं जिनमें एक से ज्यादा हृदय पाए जाते हैं, मतलब कि ये एक गाना नहीं गा सकते। कैचुआ और ऑक्टोपस ये दोनों लोग, ये एक गाना है जो गा ही नहीं सकते, इनको अधिकार ही नहीं है वो गाना गाने का। कौन सा गाना? काश कहीं ऐसा होता दो दिल होते सीने में, एक टूट भी जाता इश्क में तो तकलीफ ना होती जीने में। अब ये गाना गाएंगे, काश कहीं ऐसा होता दो दिल होते जीने में, तो कोई थप्पड़ नहीं मारेगा इनके, तुम्हारे तो पहले ही एक से ज्यादा है ना, एक से ज्यादा का मतलब दो तीन चार, तो तुम्हारे पहले ही दो तीन चार है, तुम लोग ये गाना क्यों गा रहे हो? ये गाना तो उसको गाना चाहिए जिसके दिल कितना है? एक। बात समझ में आई? तो कैचुआ ऑक्टोपस में हार्ट आर फाउंड मोर देन वन। तो दोस्तों हृदय के आवरण को कार्डियम कहते हैं, सबसे बाहर पेरिकार्डियम, मध्य वाला मायोकार्डियम, अंत वाला एंडोकार्डियम, क्लियर। मछलियों के हृदय में दो कक्ष हैं, परिसंचरण इनका सिंगल है। एम्फीबिया और रेप्टाइल्स में आपके तीन चैम्बर है, सर्कुलेशन इनका इनकम्प्लीट डबल है, अपूर्ण दोहरा है। और बर्ड्स और मैमल्स में चार चैम्बर हैं, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन पाया जाता है, क्लियर। कॉकरोच में 13 चैम्बर है हार्ट के अंदर, और आपके ऑक्टोपस और जो क्या है अर्थवॉर्म में, इसके अंदर हर्ट्स आर फाउंड मोर देन वन। बोलिए कोई समस्या? चलिए क्लियर। हर्ट, हर्ट जो मैं आपको बता रहा हूं, जो आपका कह सकते हो जो आपकी चेस्ट कैविटी है, जो आपका वक्ष गुहा है, उसमें हल्का सा, ज्यादा नहीं, बिल्कुल हल्का सा लेफ्ट साइड में किसका हुआ होता है, ठीक है। कोई दिक्कत है? आगे चलें, कोई समस्या? लीजिए, यहां तक कोई दिक्कत है? अब दोस्तों हर्ट समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा धमनी शिराएं, रुधिर वाहिनियां। तो दोस्तों धमनी और शिरा, फिर मैं एक डायग्राम में आपको पूरा हर्ट समझा दूंगा, सिंगल डायग्राम में। धमनी और शिरा, कैपिलरीज तो तुरंत समझ में आ जाएगी, धमनी शिरा, धमनी होती है आर्टरीज और शिरा होती है वेन।
देखिएगा, समझिएगा दोस्तों, धमनी जो होती है आर्टरीज, धमनी जो होती है ये कहां से कहां जाती है, ये हृदय से अंगों तक जाती है। दे गोज फ्रॉम हार्ट टू ऑर्गन्स, ये हृदय से कहां तक जाती है, अंगों तक। शिराएं कहां से कहां जाती है, अंगों से हृदय तक, अंगों से हृदय तक जाती है। मतलब कि सिंपल सा सिस्टम है कि हृदय से अंगों तक ब्लड ले जाने का रास्ता अलग है और अंगों से हार्ट की तरफ उसे वापस लाने का रास्ता अलग है। अब अंगों को ब्लड सप्लाई होगी तो धमनी कैसा रुधिर लेकर जाएगी बताइए, शुद्ध रुधिर लेकर जाएगी। शुद्ध रुधिर का मतलब क्या है, ऑक्सीजनेटेड। धमनी कैसा ब्लड लेकर जाएगी, ऑक्सीजनेटेड। और शिरा कैसा रुधिर लेकर आएगी हार्ट को वापस, अशुद्ध रुधिर। अशुद्ध रुधिर को क्या बोलेंगे, डीऑक्सीजनेटेड, जिसमें क्या नहीं हो, ऑक्सीजन ना हो, वीऑक्सीजनेट यानी CO2 वाला, ठीक है। अब बात आती है अपवाद दोस्तों, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन में आप याद रखेंगे पल्मोनरी धमनी। दोस्तों आप एक चीज समझना, पल्मोनरी धमनी को बोला जाता है फुफ्फुसीय धमनी। दोस्तों फेफड़े वो अंग है जो जो ऑक्सीजन मिलाते हैं ब्लड में और CO2 हटाते हैं। तो हृदय फेफड़ों के पास जो ब्लड भेजेगा वो O2 वाला होगा या CO2 वाला होगा, वो CO2 वाला होगा। क्यों, ताकि उसमें से CO2 को बाहर निकाला जा सके और उसमें O2 मिलाई जा सके। तो ले देकर एक ही बात समझ में आती है कि दोस्तों लंग्स यानी फेफड़े अकेले ऐसे ऑर्गन है जिनके साथ सिस्टम उल्टा है, मतलब जिनको धमनी शुद्ध की जगह अशुद्ध रुधिर, ऑक्सीजनित की जगह वीऑक्सीजनित रुधिर लेकर जाती है, और फेफड़ों से शिरा जो होगी वो हार्ट को CO2 वाले की जगह O2 वाला रुधिर यानी कि अशुद्ध की जगह शुद्ध रुधिर क्या करेगी, भेजेगी। तो पल्मोनरी धमनी कैसा रुधिर लेकर जाती है, शुद्ध की जगह अशुद्ध रुधिर, क्लियर। और इधर अपवाद में आप क्या पढ़ेंगे, पल्मोनरी या फुफ्फुसीय शिरा, पल्मोनरी शिरा, पल्मोनरी शिरा को क्या बोल दोगे, फुफ्फुसीय शिरा। और फुफ्फुसीय शिरा कैसा ब्लड लेकर जाएगी, फुफ्फुसीय शिरा आपके लेकर जाएगी अशुद्ध की जगह शुद्ध रुधिर। डायग्राम में अच्छे समझा दूंगा, टेंशन मत लीजिए बिल्कुल भी, ठीक है। अच्छा, धमनी दोस्तों कैसी होती है, सक्रिय होती है। सक्रिय होती है तो धमनी में प्रेशर क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। शिरा जो होती है वो कैसी होती है, चौड़ी होती है। चौड़ी होती है तो प्रेशर क्या रहेगा बताइए, कम। तो धमनियों में प्रेशर ज्यादा होता है, शिराओं में प्रेशर कम होता है। धमनियां जो होती है दोस्तों त्वचा में गहराई में धंसी रहती है। धमनियां जो होती है वो त्वचा में कहां पाई जाती है, गहराई में, जबकि शिराएं जो होती है त्वचा में ऊपरी सतह पर बिखरी रहती है। शिराएं ऊपरी सतह पर बिखरी रहती हैं, क्लियर। धमनियों के अंदर दोस्तों किसी भी टाइप के वाल्व्स, धमनियों के अंदर किसी भी प्रकार के कपाट नहीं पाए जाते, जबकि शिराओं में क्या पाए जाते हैं, कपाट पाए जाते हैं, वाल्व पाए जाते हैं, क्लियर। अच्छा, वाल्व प्रेजेंट है। अब क्वेश्चन आता है दोस्तों, क्वेश्चन आता है आपके पास सबसे बड़ी धमनी, तो सबसे बड़ी धमनी का नाम है, सबसे बड़ी धमनी का नाम है एओर्टा। सबसे बड़ी धमनी का नाम क्या है, एओर्टा। एओर्टा को बोलते हैं महाधमनी। सबसे बड़ी धमनी का नाम क्या है, महाधमनी एओर्टा। और सबसे बड़ी शिरा का नाम आपसे कोई पूछ ले, सबसे बड़ी शिरा, सबसे बड़ी शिरा, तो आप बोलेंगे महाशिरा, और वो भी पश्च महाशिरा, पश्च महाशिरा। और पश्च महाशिरा के लिए इंग्लिश में लिखते हैं वेना केवा। तो सिंपल समझिए दोस्तों, धमनी जाती है हृदय से अंगों तक, सभी अंगों को शुद्ध रुधिर लेकर जाएगी, लेकिन फेफड़ों को पल्मोनरी धमनी अशुद्ध रुधिर लेकर जाती है। क्यों, क्योंकि फेफड़े अशुद्ध को शुद्ध करते हैं, ऑक्सीजन को मिलाते हैं, CO2 हटा देते हैं, क्लियर। इसी तरह शिराएं आपके अंगों से हृदय तक जाती है, क्लियर, अशुद्ध रुधिर लेकर जाती है, लेकिन फेफड़ों से हृदय की ओर एक कैसा रुधिर लेकर जाएगी, शुद्ध रुधिर लेकर जाएगी। कौन सी शिरा, पल्मोनरी शिरा। धमनियां सक्रिय हैं इसलिए इनमें दाब ज्यादा होता है ना, शिराएं आपके चौड़ी हैं इसलिए प्रेशर कम होता है। धमनियां त्वचा में गहराई में पाई जाती हैं, शिराएं ऊपरी सतह पर बिखरी रहती हैं। धमनियों में वाल्व नहीं पाए जाते, शिराओं में वाल्व पाए जाते हैं। और सबसे बड़ी धमनी का नाम एओर्टा महाधमनी है, सबसे बड़ी शिरा का नाम पश्च महाशिरा या वेना केवा नाम है। अब दोस्तों ये सिस्टम आप देखिएगा, धमनी जा रही है हृदय से अंगों तक और शिरा जा रही है अंगों से हृदय तक। तो इसका मतलब दोस्तों केशिका क्या काम करेगी, जो कैपिलरी है, तीसरी रुधिर वाहिनी कैपिलरी। तो दोस्तों कैपिलरी रुधिर केशिका जो है ये सबसे पतली रुधिर वाहिनियां हैं, सबसे पतली रुधिर वाहिनियां, सबसे बारीक रुधिर वाहिनी है। और ये क्या काम करेगी दोस्तों, ये अंग के अंदर कोशिकाओं में, अंग के अंदर कोशिकाओं तक शुद्ध और अशुद्ध, शुद्ध प्लस अशुद्ध
रुधिर ले जाती है। यानी दोस्तों केशिका का काम है अंग के अंदर सिस्टम संभालना, हृदय से अंग तक और अंग से हृदय तक, हृदय से अंग तक और अंग से हृदय तक का काम तो देख लिया किसने, ये तो देख लिया दोस्तों आपके आर्टरीज और वेन ने, लेकिन हार्ट के बाद अंगों तक पहुंच गया। अब अंग के अंदर बहुत सारे टिश्यूज और टिश्यूज के अंदर बहुत सारी सेल है और सेल तक क्या जाना है, ब्लड को जाना है। तो हृदय के बाद अंगों में पहुंच गया ब्लड, अब अंग के अंदर प्रत्येक कोशिका तक शुद्ध रुधिर को ले जाना और कोशिका से अशुद्ध रुधिर को लाना। शुद्ध और अशुद्ध दोनों ही प्रकार के रुधिर का परिवहन कौन करती है बताइए, कैपिलरीज करती हैं, और कैपिलरीज आर द थिनेस्ट ब्लड वेसल्स, सबसे पतली रुधिर वाहिनियां कौन है बताइए, कैपिलरीज हैं। तो स्क्रीनशॉट लीजिएगा ठीक है भाई, कोई दिक्कत? तो धमनी शिरा समझ गए, क्लियर कहां काम करती हैं, कैसे काम करती हैं। अब मैं आपको हार्ट के डायग्राम की तरफ लेकर जाता हूं, जो एक फॉर्मल डायग्राम है जो बनाता हूं मैं। देखिए मान लीजिए आपके हार्ट में ये चार आपने पोर्शन बना दिए, क्लियर, लगभग ऐसा ही होता है आपका हार्ट, ठीक है। मैं एक एक क्वेश्चन बनाता जाऊंगा, देखिएगा दोस्तों। अब इधर से देखिए, ये वाला पार्ट लेफ्ट, ये वाला पार्ट राइट, क्लियर। तो ये वाला पार्ट है बायां आलिंद, ये वाला पार्ट है वाया निलय, मतलब आलिंद ऊपर होते हैं, आर्ट्रियम ऊपर होते हैं, वेंट्रिकल नीचे होते हैं। ये आपका राइट एट्रियम, ये है आपका राइट वेंट्रिकल, क्लियर, ठीक है। ये ऊपर बना दिया मैंने लंग्स, क्योंकि दोस्तों शुद्ध अशुद्ध रुधिर यहीं से आता है, यहीं जाता है। और ये आपकी बना दी मैंने बॉडी, ये आपका बना दिया शरीर, ठीक है। अब चलिए सबसे पहले दोस्तों, सबसे पहले चलिएगा, और मैं बना रहा हूं पूरा सिस्टम, ये डबल कलर दे दिया मैंने, ठीक है, क्लियर। अब देखिए लंग्स से आया दोस्तों, अब लंग्स में फेफड़े हैं, फेफड़े रुधिर को शुद्ध करते हैं, ऑक्सीजन वाला रुधिर है। तो लंग्स से हार्ट को क्या आ रहा है, ब्लड, क्लियर। एक एक क्वेश्चन बनाऊंगा, क्वेश्चन नंबर वन बना यहां पे, क्लियर। क्वेश्चन नंबर, अभी तक ब्लड रेड जा रहा है तो मतलब शुद्ध रुधिर है। क्वेश्चन नंबर वन क्या बना दोस्तों, कि फेफड़ों से हृदय को शुद्ध रुधिर कौन लाता है? तो दोस्तों अंगों की ओर जाती है शिरा, अरे अंगों से हृदय शिरा जाती है, लेकिन शिरा अशुद्ध रुधिर लेकर जाती है। पर मैंने बताया था फेफड़ों से जुड़ी हुई शिरा कैसा रुधिर लेकर जाएगी, शुद्ध रुधिर। तो फेफड़ों से शुद्ध रुधिर पल्मोनरी शिरा के द्वारा सबसे पहले कहां आता है, हार्ट में। हार्ट के किस भाग में सबसे पहले ब्लड आता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर टू, हार्ट के किस भाग में सबसे पहले ब्लड आता है? तो आप कहेंगे सर लेफ्ट आर्ट्रियम, बायां आलिंद। अब दोस्तों आलिंद और निलय के बीच में क्या पाया जा रहा है, ये देखिए आलिंद और निलय के बीच में एक बाल्व पाया जा रहा है, और इस बाल्व को हमने कह दिया दोस्तों द्विवलनी कपाट। इसमें कितने वलन है, दो। कितने इसके अंदर रिंग है, दो। इसको बोल दिया दोस्तों बाई कस्पिड बाल्व, और इसी का एक नाम और है मिट्रल कपाट, मिट्रल बाल्व। कपाटों का काम है दोस्तों ब्लड को एक डायरेक्शन में जाने देना, मतलब जो ब्लड एक बार बाएं आलिंद से लेफ्ट आर्ट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में निकल गया, अब वो वापस नहीं जा सकता, वो सीधा इधर ही जाएगा, क्लियर। अब दोस्तों ये क्या आ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब यहां से चला हुआ ब्लड यहां तक आ गया, क्लियर। यहां आने के बाद यहां पर दोस्तों एक बाल्व है जिसकी शेप जो है वो आधे चंद्रमा के जैसी है, क्लियर। यहां से ब्लड निकलेगा और पूरी बॉडी में जाएगा, अभी तक ब्लड प्योर है, शुद्ध है दोस्तों। ये जो लेकर जाएगी इसका नाम है महाधमनी। तो आपसे पूछा जाए हार्ट से निकला हुआ ब्लड पूरी बॉडी में किसके द्वारा जाता है, एओर्टा के द्वारा जाता है। और जो ये कपाट आपको दिख रहा है, जो ये बाल्व आपको दिख रहा है, इसका नाम है दोस्तों अर्धचंद्राकार कपाट, अर्धचंद्राकार कपाट, क्लियर। इसको सेमी ल्यूनर बाल्व बोलते हैं क्योंकि इसकी आकृति आधे चंद्रमा के जैसी है, लेकिन इसको महाधमनी कपाट, एओर्टिक बाल्व भी कहते हैं, क्योंकि यहां से क्या निकलती है, महाधमनी, क्लियर। बात समझ में आ गई। तो सिंपल, फेफड़ों से चला हुआ प्योर ब्लड पहले पल्मोनरी वेन की हेल्प से कहां आता है, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम में आता है, बाएं आलिंद में, बाएं आलिंद बाएं निलय के बीच में कौन सा बाल्व है, क्वेश्चन नंबर तीन, बाइकस्पिड बाल्व, क्लियर। और दोस्तों आप देखिएगा, समझिएगा, लंग्स से चला हुआ ब्लड यहां आ गया, अब यहां पे दोस्तों ये वाला जो भाग है, इस वाले भाग से पूरी बॉडी को ब्लड जाना है,
इसका मतलब इस वाले भाग में सबसे ज्यादा प्रेशर जनरेट होगा। तो हृदय का सबसे मजबूत भाग, हृदय का सबसे मजबूत भाग कौन सा होगा बताइए, क्वेश्चन नंबर 4। हृदय का सबसे मजबूत भाग, द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट, सबसे मजबूत दीवार किस भाग की होगी हृदय में, तो आपके बाएं निलय की, लेफ्ट वेंट्रिकल की, बाएं निलय की। बाएं निलय से किस कपाट की हेल्प से ब्लड बाहर जाएगा, तो अर्धचंद्राकार कपाट, और कौन लेकर जाएगा दोस्तों, महाधमनी एओर्टा। क्लियर। अब यहां तक ब्लड प्योर चल रहा था तो एक क्वेश्चन और बन गया कि हार्ट के बाएं भाग में, हार्ट के लेफ्ट साइड में हमेशा प्योर ब्लड होता है जो रेड कलर का होता है। अब जैसे ही बॉडी में ब्लड गया, ऑक्सीजन हट गई और CO2 ऐड हो गई दोस्तों। अब CO2 ऐड होते ही ये ब्लड कैसा हो जाएगा, अब ये ब्लड नीला पड़ जाएगा, और ब्लड जब भी एंटर होगा हार्ट में किससे होगा, निलय से होगा, सॉरी आलिंद से होगा। अब इसको कौन लेकर जाएगा दोस्तों, तो ये बन गया क्वेश्चन नंबर 7, और ये आ गया अशुद्ध रुधिर, और अशुद्ध रुधिर को, इम्प्योर ब्लड को कौन लेकर जाएगी दोस्तों, अग्र व पश्च महाशिरा। दो महाशिराएं हैं, अग्र व पश्च महाशिरा, महाशिरा को वेना केवा बोला था, अग्र और पश्च महाशिरा, ठीक है। क्लियर। अब कहां आ गया दोस्तों, आपसे पूछा जाए शुद्ध रुधिर किस भाग में आता है हार्ट में, तो बाएं आलिंद में। अशुद्ध रुधिर किस भाग में आता है, किसमें आता है दोस्तों, दाएं आलिंद में। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8। अब दोस्तों यहां पे देखिए, दाएं आलिंद दाएं निलय के बीच में एक बाल्व है, इस बाल्व को क्या बोलोगे, इस बाल्व को बोलोगे दोस्तों, इस बाल्व को बोलोगे, ये जो बाल्व है इसको बोलोगे ट्राइकस्पिड बाल्व। क्या बोलोगे, ट्राइकस्पिड बाल्व, इसको त्रिवलनी कपाट, त्रिवलनी कपाट, क्योंकि इसमें तीन वलन है। क्लियर। ट्राइकस्पिड बाल्व से बल्ब इधर, ब्लड आपके इधर आ गया, और इधर आके यहां फिर एक अर्धचंद्राकार कपाट है, और यहां से चला हुआ ब्लड सीधा कहां चला जाता है, लंग्स में। क्लियर। यहां से चला हुआ ब्लड, देखिए दोबारा बनाता हूं, यहां से चला हुआ ब्लड सीधा कहां जा रहा है दोस्तों, वापस से लंग्स में। क्लियर। अब देखिएगा ये कौन सा कपाट है दोस्तों, अर्धचंद्राकार है ना, कौन सा कपाट है, अर्धचंद्राकार, लेकिन इसको क्या बोलते हैं, इसको यहां से पल्मोनरी शिरा निकलेगी, कौन सी निकलेगी, पल्मोनरी धमनी है ना, फेफड़ों को अशुद्ध रुधिर की आपूर्ति यही करती है, अशुद्ध एक ही धमनी है जो अशुद्ध रुधिर लेकर जाती है फेफड़ों तक, वो कौन सी है बताइए, पल्मोनरी धमनी। क्लियर। लेकिन अर्धचंद्राकार जो बाल्व है इसका यहां पे दूसरा नाम है पल्मोनरी बाल्व, फुफ्फुसीय बाल्व, क्या बोलते हैं इसको, फुफ्फुसीय बाल्व, क्यों, क्योंकि ब्लड किसको जा रहा है, फुफ्फुस को जा रहा है। क्लियर। तो ये बन गया क्वेश्चन नंबर 9 और ये बन गया क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिएगा दोबारा से क्वेश्चन रिपीट करता हूं, एक बार दोबारा से रिपीट करता हूं, देखिए हां डायग्राम समझना एक बार, क्या समझोगे आप, देखो है ना, पेन थोड़ा सा अब मोटा कर लेता हूं ताकि ये पथ आपको मैं अच्छे से दिखा पाऊं। देखिए दोस्तों, फेफड़ों से चला हुआ शुद्ध रुधिर, फेफड़ों से चला हुआ शुद्ध रुधिर सबसे पहले किस भाग में आता है, बाएं आलिंद में। बाएं आलिंद में कौन लाती है, पल्मोनरी शिरा। क्लियर। एक ही ऐसी शिरा है जो शुद्ध रुधिर लेकर जाती है, वो पल्मोनरी शिरा है। क्लियर। उसके बाद दोस्तों बाएं आलिंद बाएं निलय के बीच में, लेफ्ट आर्ट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा बाल्व है, ट्राइकस्पिड बाल्व। क्लियर। और ट्राइकस्पिड बाल्व जो है ये कहां ले आता है ब्लड को, लेफ्ट वेंट्रिकल में, बाएं निलय में, जो कि सबसे मजबूत भाग है। बाएं निलय के बाद पाया जाता है दोस्तों सेमीलूनर वाल्व, जो आधे चंद्रमा के जैसी आकृति है, और यहां से निकलती आपकी एओर्टा और महाधमनी पूरी बॉडी में ब्लड को पहुंचाती है, इसलिए इसको महाधमनी कपाट भी कहते हैं। अब बॉडी में ब्लड चला गया और ब्लड कैसा हो गया दोस्तों, इंप्योर, तो इंप्योर ब्लड को, अशुद्ध रुधिर को हृदय में वापस कौन लाता है बताइए, अशुद्ध रुधिर को हृदय में वापस लाती है अग्र व पश्च महाशिरा, कौन से भाग में लाती है, बाएं आलिंद में, सॉरी दाएं आलिंद में। अब दाएं आलिंद दाएं निलय के बीच में तीन वलन वाला कौन सा बाल्व है, ट्राइकस्पिड बाल्व है। क्लियर। और फिर आपके जो आपके दाया निलय है यहां से निकलता है सेमीलूनर वाल्व, अर्धचंद्राकार कपाट, और अर्धचंद्राकार कपाट के थ्रू ये जो ब्लड है ये सीधा वापस कहां चला जाता है, लंग्स में। क्यों गया, क्योंकि अशुद्ध है, अब इसमें से CO2 निकाली जाएगी और CO2 की जगह O2 ऐड करके इसको शुद्ध कर दिया जाएगा, और शुद्ध करके इसको वापस इधर भेज दिया जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे यार कि एक साइकिल में, एक चक्र में, हार्ट में एक बार ब्लड गया, फिर निकला, फिर गया,
फिर निकला, मतलब एक चक्र में हृदय में दो बार ब्लड एंटर हुआ है और दो ही बार ब्लड बाहर निकला है। इसीलिए दोस्तों क्या बोला जाता है, इसीलिए डबल सर्कुलेशन, दोहरा परिसंचरण हमारे परिसंचरण को कहते हैं। दूसरी बात आप जरा गौर करिए दोस्तों, हृदय में सबसे पहले ब्लड कहां से जा रहा है बताइए, यहां से, और सबसे लास्ट में ब्लड कहां से निकल रहा है, यहां से। तो सबसे पहले ब्लड, आप हृदय को अगर एक पान का पत्ते की तरह बनाएं, क्लियर, और अगर इसके कितने भाग बना दें आप, चार भाग बना दें, क्लियर, चार भाग ऐसे बना दें, तो दोस्तों सबसे पहले ब्लड कहां से आ रहा है, गौर करिएगा, सबसे पहले ब्लड इधर आ रहा है दोस्तों, बाएं आलिंद से, और सबसे लास्ट में ब्लड किधर निकल रहा है दोस्तों, दाएं निलय से। इसीलिए हृदय की संरचना का जो सबसे बेस्ट फॉर्मल डायग्राम होता है कि तीर किधर से डालना है, तो तीर डालना है आपको बाएं आलिंद से और निकालना है दोस्तों दाएं निलय पे। तो ये बात दिमाग में नोट करिएगा, आपसे अगर कोई पूछ ले कि व्हाट इज द बेस्ट फॉर्मल डायग्राम फॉर द हार्ट स्ट्रक्चर, तो ये, क्यों, क्योंकि हृदय में आपको ब्लड को एंटर कराना होता है बाएं आलिंद से, लेफ्ट आर्ट्रियम से, और ब्लड फाइनली निकलता कहां से है, दाएं निलय से, राइट वेंट्रिकल से, दैट्स व्हाई द डायग्राम इज हेयर। और एक चीज और दोस्तों, आपसे कोई पूछ ले कि भैया हृदय को लगातार कार्य करते रहने के लिए, एक स्ट्रक्चर पाई जाती है दाएं आलिंद में, एक स्ट्रक्चर पाई जाती है जो हृदय को लगातार कार्य करते रहने के लिए क्या देती है दोस्तों, इलेक्ट्रिक वोल्टेज प्रदान करती है, उसे बोलते हैं हार्ट का पेसमेकर। क्या बोलते हैं, हार्ट का पेसमेकर। और हार्ट का पेसमेकर किसको बोला जाता है, एसए नोड को, किसको बोला जाता है, एसए नोड को। तो एक एक क्वेश्चन आपका तैयार है। दूसरी बात दोस्तों, ये दीवार जो हृदय के बाएं और दाएं भाग को आपस में जोड़ रही है दोस्तों, इसको बोला जाता है सेप्टा। क्या बोलते हैं, हृदय के दाएं और बाएं भाग को जोड़ने वाली दीवार क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है बच्चों सेप्टा। तो क्वेश्चंस भर भर कर है इस चार्ट में, आपसे कोई पूछे हृदय के बाएं भाग में कैसा ब्लड है, तो आप देख पा रहे रेड वाला ब्लड है, यहां तक शुद्ध है। दाएं वाले भाग में ब्लू या डार्क ब्लू या ब्लैक वाला ब्लड है, ये अशुद्ध रुधिर है। तो बाएं भाग में हमेशा शुद्ध रुधिर, दाएं भाग में अशुद्ध रुधिर बहता है। हृदय में कितने कपाट दिख रहे हैं आपको, 1 2 3 4, क्लियर, चार वाल्व हैं जिनमें से टाइप 3 है, क्योंकि एक बाइकस्पिड, एक ट्राइकस्पिड और दो जो है वो सेम टाइप के हैं, उनको बोला जाता है अर्धचंद्राकार कपाट, क्लियर। अच्छा, हृदय का सबसे मजबूत भाग दोस्तों बायां निलय। हृदय में आपसे पूछा जाए ब्लड हमेशा कहां से आएगा, आलिंदों से। शुद्ध वाला ब्लड बाएं आलिंद से आएगा, अशुद्ध वाला ब्लड दाएं आलिंद से आएगा, क्लियर। निकलेगा ब्लड कहां से, निलयों से। शुद्ध रुधिर कहां से निकलेगा, बाएं निलय से। अशुद्ध रुधिर कहां से निकलेगा, दाएं निलय से, क्लियर, ओके। फेफड़ों से शुद्ध रुधिर कौन पहुंचाएगा हार्ट में, पल्मोनरी शिरा। और दोस्तों हार्ट से अशुद्ध रुधिर को वापस फेफड़ों में कौन पहुंचाएगा, तो पल्मोनरी धमनी। उम्मीद करता हूं कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे यात्रा बढ़ाएंगे। हाँ भाई दोस्तों, क्लियर। तो वाल्व का नाम मैंने आपको चारों बता दिया है, बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड और दो सेमिल्यूनर वाल्व अर्धचंद्राकार, जिनमें से जिसमें से महाधमनी निकलती है उसको महाधमनी कपाट बोल देते हैं, जिसमें से पल्मोनरी शिरा पल्मोनरी धमनी निकलती है उसे फुफ्फुसीय कपाट कह देते हैं, क्लियर। चलिए दोस्तों, आपसे पूछा जाता है कि भैया हार्ट का पेसमेकर किसे कहते हैं, तो हार्ट का पेसमेकर बोला जाता है दोस्तों, हार्ट का पेसमेकर बोलते हैं एसए नोड को। एसए नोड का पूरा नाम है साइनो आर्ट्रियल नोड। ये हृदय को लगातार कार्य करते रहने के लिए क्रियात्मक वोल्टता प्रदान करता है, और साइनो आर्ट्रियल नोड की हेल्प चार चीजें करती हैं, कौन कौन करता है, पुरकिंजे तंतु, साथ ही साथ दोस्तों पुरकिंजे तंतु, बंडल ऑफ हिंज के बंडल, पुरकिंजे तंतु, हिंज के बंडल, और एक नोड पाया जाता है जिसको बोलते हैं एवी नोड, इसको बोला जाता है आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, क्लियर। तो ये आपके क्या हो गए, ये आपके एसए नोड की हेल्प करते हैं दोस्तों। जब अगर आपका पेसमेकर खराब हो जाए, इसको बोला जाता है गति प्रेरक, इसको बोला जाता है दोस्तों हार्ट ऑफ हार्ट, इसको हार्ट ऑफ हार्ट कहते हैं, हृदय का हृदय कहते हैं।
हृदय की पूरी जान इसी में बसी होती है, क्लियर। तो जब आपका पेसमेकर खराब हो जाए तो दोस्तों बैटरी से चलने वाला आर्टिफिशियल पेसमेकर लगाया जाता है, और जो आपका आर्टिफिशियल पेसमेकर लगाया जाता है उसमें कौन सा मटेरियल, कौन सी मेटल पाई जाती है, तो आप क्या बोल देंगे, सर इसमें यूरेनियम पाया जाता है, क्लियर। तो पेसमेकर जो है दाएं आलिंद में पाया जाता है, और दाएं आलिंद में जो आपका पेसमेकर पाया जाता है, क्लियर, इसको साइनो आर्टेरियल नोड कहते हैं, और पेसमेकर को हार्ट ऑफ हार्ट कहते हैं। इसकी हेल्प तीन चीजें करती हैं, पुरकिंजे फाइबर, हिंज के बंडल, एवी नोड जिसको आर्टेरियो वेंट्रिकुलर नोड बोलते हैं, ठीक है। और पेसमेकर अगर खराब हो जाता है आपका तो बैटरी से संचालित होने वाला क्या लगा दिया जाता है, आपके आर्टिफिशियल पेसमेकर लगा दिया जाता है, ठीक है। कोई समस्या यहां तक? अब दोस्तों हृदय की क्रियाविधि के बारे में समझते हैं कि ये धड़कन है ना, ब्लड प्रेशर वगैरह क्या होती है, कैसे होती है, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो हम बात कर रहे हैं हार्ट साइकिल, हृदय चक्र। दोस्तों हार्ट साइकिल को ही आप धड़कन कहते हैं, हार्ट साइकिल को ही आप नब्ज की गति कहते हैं, नब्ज गति, हार्ट साइकिल को ही आप पल्स रेट कहते हैं, और हार्ट साइकिल को ही आप नाड़ी दर कहते हैं। यानी आपके एक मिनट में जितने हृदय चक्र होंगे उतनी ही बार आपकी हार्ट बीट होगी, उतनी ही बार आपकी पल्स रेट आएगी, उतनी बार आपके नब्ज गति आएगी। दोस्तों ये हार्ट बीट कहां पे मापी जाती है? दोस्तों कलाई में मापते हैं, है ना, जनरली कलाई में मापते हैं। और कलाई में कौन सी धमनी में मापते हैं? दोस्तों रेडियल धमनी। कलाई में कौन सी धमनी होती है? रेडियल धमनी। कोई व्यक्ति अगर अपनी कलाई काटकर सुसाइड करता है तो रेडियल काटता है, ठीक है, क्योंकि रेडियल बहुत चौड़ी होती है, ठीक है, सीधा हार्ट से कॉन्टेक्ट में होती है। तो कलाई में आपके रेडियल धमनी जो होती है उसमें मापा जाता है, क्लियर, हृदय गति का मापन। और जिस यंत्र से करते हैं उसका नाम है स्फिग्मोमीटर। क्या कहते हैं दोस्तों? स्फिग्मोमीटर, क्लियर। तो ये कुछ बेसिक सी बातचीत है, स्फिग्मोमीटर रेडियल धमनी कलाई में मापते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। दोस्तों हमारा जो हृदय चक्र है उसमें दो गतिविधि होती है, एक बार हृदय सिकुड़ता है, एक बार फैलता है, फिर सिकुड़ता है, फिर फैलता है, फिर सिकुड़ता है, फिर फैलता है, क्लियर। तो हृदय के दो सिस्टम हो गए, एक हो गया सिस्टोल और एक हो गया दोस्तों डायस्टोल, सिस्टोल डायस्टोल, क्लियर। सिस्टोल को बोला जाता है दोस्तों प्रकुंचन, और डायस्टोल को बोलते हैं अनुशिथिलन। तो हृदय में दो टाइप का क्या होता है, क्रियाविधि होती है। सिस्टोल का मतलब होता है दोस्तों सिकुड़ना, और डायस्टोल का मतलब होता है क्या, फैलना, क्लियर। एक बार आपके सिस्टोल चलता है, एक बार आपके क्या चलता है दोस्तों, डायस्टोल चलता है, क्लियर। सिस्टोल के समय हृदय क्या हो रहा होता है, सिस्टोल के समय आपका हृदय सिकुड़ रहा होता है, क्लियर, और डायस्टोल के समय आपका हृदय क्या हो रहा होता है, फैल रहा होता है। तो एक बार हार्ट सिकुड़ रहा होता है, दूसरी बार आपके हार्ट क्या हो रहा होता है, फैल रहा होता है, क्लियर। तो ये चीज हम कहां पे देखते हैं दोस्तों, ये चीज आप देखते हो किसके अंदर, है ना, हार्ट साइकिल के अंदर, हृदय चक्र के अंदर आप इस चीज को देख रहे हो, ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत है? अब दोस्तों सिस्टोल के समय, है ना, अब ये आपका हृदय चक्र हो गया, और हृदय चक्र में टाइम लगता है दोस्तों 0.8 सेकंड। हृदय चक्र में कितना टाइम लगता है? 0.8 सेकंड का टाइम लगता है, यानी 0.8 सेकंड में आपका एक हृदय चक्र पूरा हो जाता है, क्लियर। तो इसका मतलब एक मिनट में आपके कितने हृदय चक्र पूरे हो जाएंगे? लगभग 72 से 75। इसीलिए दोस्तों आपका जो हृदय है वो एक मिनट में कितनी बार धड़कता है? 75 बार धड़कता है। ये जो 0.8 सेकंड है ये एडल्ट का है, वयस्क का, क्लियर। अब इसी को हम लोग लिंक करेंगे किसके साथ दोस्तों? रुधिर दाब के साथ, ब्लड प्रेशर, रुधिर दाब, रुधिर दाब हो गया आपके बीपी, ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर कहां मापी जाती है दोस्तों? धमनी में मापा जाता है, और धमनी में कौन सी में मापा जाता है? ब्रेंकियल धमनी। कौन सी धमनी में खासकर मापते हैं? ब्रेंकियल धमनी में। और ब्लड प्रेशर एक पट्टा लगाते हैं और यहां लगाते हैं, यहां पे ब्रेंकियल धमनी जाती है, यहां पट्टा लगा के आपका ब्लड प्रेशर मापते हैं, क्लियर। तो ब्लड प्रेशर धमनी में मापा जाता है, क्लियर। और दोस्तों ब्लड प्रेशर जो होता है सर्वप्रथम दोस्तों एक साइंटिस्ट थे हेल्स, सर्वप्रथम हेल्स ने घोड़े में मापा था। सबसे पहली बार हेल्स ने ब्लड प्रेशर कहां पे मापा था दोस्तों? घोड़े में मापा था। पहली बार ब्लड प्रेशर कहां पे मापा गया था? घोड़े में, क्लियर। हमारी बॉडी में धमनी में मापा जाता है, सर्वप्रथम किस में मापा गया था? घोड़े में मापा गया था, क्लियर। और दोस्तों यंत्र है जिसके द्वारा आप इसे मापते हो, उसका नाम है स्फिग्मोमैनोमीटर। क्या नाम है दोस्तों? स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर यंत्र है जिसमें आप ब्लड प्रेशर को आप क्या करते हैं,
मापते हैं, और ब्लड प्रेशर का जो मात्रक आपका होता है वो होता है एमएम ऑफ एचजी। क्यों? क्योंकि स्फिग्मोमीटर में पारा भरा होता है, वो पारा जितने मिलीमीटर ऊपर चढ़ जाता है उतना ही आपका क्या होता है, ब्लड प्रेशर। अब जब हृदय सिकुड़ रहा होता है तो दोस्तों हृदय में कौन सा दाब चलता है, सिस्टोलिक दाब। जब हृदय सिकुड़ रहा होता है तो दोस्तों धमनियों में सिस्टोलिक दाब लगता है, और जब हृदय फैल रहा होता है तो धमनियों में कौन सा दाब लगता है, डायस्टोलिक प्रेशर लगता है। सिस्टोलिक प्रेशर आपका 120 और डायस्टोलिक प्रेशर 80 होता है। समझिएगा, देखो एक समझो, ये आपके पास एक थैली है, क्लियर, इसमें से नली जा रही है, क्लियर। अब इस थैली को आपने क्या किया, इस थैली को आपने सिकोड़ा, सिकोड़ोगे तो बताओ इसमें प्रेशर बढ़ेगा, और इसको फैलाओगे तो इसमें प्रेशर घटेगा। तो वही सीन है, जब आपके हृदय सिकुड़ रहा होता है तो दोस्तों प्रेशर क्या होता है, ज्यादा होता है। जब हृदय फैल रहा होता है तो प्रेशर क्या होता है, कम होता है। तो याद रखिएगा, जो आपका ब्लड प्रेशर है वो 120-80 है, ना कि 80-120। 80-120 कह रहे हो, इसका मतलब है कि आप सिस्टोलिक को कम बता रहे हो, डायस्टोलिक को ज्यादा, जबकि ऐसा नहीं हो सकता। तो याद रखिएगा, 120-80 स्वस्थ व्यक्ति का रुधिर दाब है, लेकिन आजकल दोस्तों 130-90 को भी स्वस्थ व्यक्ति का ही रुधिर दाब मानते हैं, आज के लाइफस्टाइल और रूटीन के हिसाब से। तो दोस्तों हृदय गति के बारे में ये जो कंसेप्ट है ये अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा, क्लियर, कि आपकी हृदय गति किस तरह से मेजर की जाती है, कहां पे मेजर की जाती है, और आपके जो ब्लड प्रेशर है वो आपके कैसे मैनेज किया जाता है, क्लियर दोस्तों। चले आगे, अब देखो, अब इसमें मैं आगे आपको एक चीज बताता हूं कि दोस्तों हृदय की गति यानी जो आपका धड़कन है वो डिपेंड करती है, धड़कनों की संख्या डिपेंड करती है दोस्तों शरीर के आकार पर। शरीर का आकार छोटा होगा तो ब्लड बहुत जल्दी चक्कर लगा देगा, और शरीर का आकार आपके बड़ा होगा तो ब्लड धीरे धीरे चक्कर लगाएगा, समझ रहे हो। तो इसका मतलब यह है कि जैसे अगर आप बात करते हैं मानव में, तो मानव में अगर आप वयस्क पुरुष की बात करते हैं, वयस्क पुरुष, तो वयस्क पुरुष में आप कितनी बार मानते हैं, 72 बार धड़कन। महिला की बात करते हैं तो महिला में लगभग 70-80 बार। बच्चा जो होता है, बच्चे में 120 बार। भ्रूण, क्योंकि वो और भी छोटा होता है तो भ्रूण में 150-160 बार। और जो वृद्ध होता है, वृद्ध में कितनी बार, लगभग 60 बार आपका हृदय धड़कता है, क्लियर। अगर आप बात करें दोस्तों व्हेल, तो व्हेल बहुत बड़ी होती है, क्लियर, तो व्हेल में आपके लगभग 25 बार से कम आपका हृदय धड़कता है, लगभग 10-15 बार भी ये डेटा आ सकता है, क्लियर। हाथी के अंदर लगभग 25 बार आपका हृदय धड़कता है। और छुचुंदर जो है सबसे छोटा स्तनधारी है, श्रियु सबसे छोटा स्तनधारी, स्मॉलेस्ट मैमल, इसके अंदर लगभग 800 बार आपका क्या धड़कता है, हृदय धड़कता है, क्लियर। तो व्हेल आपके क्या है, लार्जेस्ट मैमल है, सबसे बड़ा स्तनधारी है, लार्जेस्ट मैमल, क्लियर। और स्थलीय स्तनधारियों में सबसे बड़ा स्थलीय स्तनधारी कौन है, सबसे बड़ा स्थलीय स्तनधारी आपके हाथी है, सबसे बड़ा स्थलीय स्तनधारी आपके हाथी है, क्लियर, इसके अंदर ये रहा। और स्मॉलेस्ट मैमल, सबसे छोटा स्तनधारी, स्मॉलेस्ट मैमल के अंदर आपके, क्लियर, जो आपके हार्ट बीट है वो लगभग 800 बार है, ठीक है। तो हार्ट बीट का जो कंसेप्ट है, डेटा है आपके नोट्स में है, इसको जितनी बार चाहे आप रिपीट कर सकते हैं। अब मोस्ट लास्ट फाइनल हार्ट साउंड, दोस्तों हृदय का जो साउंड है, हार्ट साउंड, ये कैसे आप पता करेंगे। हार्ट का साउंड दोस्तों दो टाइप का है, एक है लब और दूसरा है डब। फर्स्ट साउंड आपका लब है और सेकंड साउंड आपका डब है, क्लियर। अब क्वेश्चन आता है कि हार्ट में साउंड किस चीज का आता है, तो दोस्तों याद रखिएगा, हृदय का जो साउंड है ये कपाटों के बंद होने का साउंड है। किसका साउंड है, खुलने का नहीं, कपाटों के बंद होने का। लब साउंड आता है दोस्तों द्विवलनी व त्रिवलनी कपाट के बंद होने का। लब साउंड आता है द्विवलनी व त्रिवलनी कपाट के बंद होने का। द्विवलनी त्रिवलनी कपाट बंद होने का साउंड आता है पहला लब, और दोस्तों अर्धचंद्राकार कपाट बंद होने का साउंड आता है डब। अर्धचंद्राकार कपाट बंद होने का साउंड आता है डब, क्लियर। और ये साउंड जो होता है, अगर आपके कपाट दोषपूर्ण है, अगर आपके कपाटों में दोष है, दोषपूर्ण कपाट है, तो दोस्तों मरमर का साउंड आता है। कौन सा साउंड आता है, मरमर साउंड। अगर आपके कपाट दोस्तों दोषपूर्ण है तो कौन सा साउंड आता है बच्चों, मरमर का साउंड आपको क्या होता है, देखने को मिलता है।
क्लियर। और हृदय का जो साउंड है जिस यंत्र से मापा जाता है उस यंत्र का नाम है दोस्तों स्टेथोस्कोप। और स्टेथोस्कोप जो है ये आविष्कार एक व्यक्ति ने किया जिसका नाम था लीनियाक या लीनेक। लीनियाक स्टेथोस्कोप के सिद्धांत पर कार्य करता है, पता है आपको, ध्वनि का परावर्तन, ध्वनि टकराकर वापस आती है, ध्वनि का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, इस पर आपका स्टेथोस्कोप कार्य करता है। तो बच्चों क्या क्या हार्ट बीट है, हार्ट का साउंड कैसा है, किस चीज का साउंड है, कंटेंट के मामले में फिर कह रहा हूं कोई पंगा ना पहले ले सकता था ना आज ले सकता, एक एक क्वेश्चन को कड़ी कड़ी खोल के आपके आगे रखा है। ऐसा नहीं हार्ट साउंड लब और डब पढ़ा दिया, किसका साउंड है, बंद का या खुलने का, किस कपाट के बंद होने का, किसके खुलने का, जानकारी भैया पूरी है, पूरी जानकारी के साथ आपसे रूबरू हो रहा हूं। क्लियर बच्चों, कोई दिक्कत है? अब कुछ छोटी मोटी बातें आपके नोट्स में भी डाली हुई हैं, जैसे कि पहली बार सफल हृदय प्रत्यारोपण, हार्ट ट्रांसप्लांट, एक व्यक्ति का हृदय दूसरे व्यक्ति को लगाना, तो ये सन 1967 में हुआ डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के निर्देशन में दक्षिण अफ्रीका में। तो विश्व का प्रथम सफल हृदय प्रत्यारोपण डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के निर्देशन में कहां पर हुआ दोस्तों, ये हुआ आपके दक्षिण अफ्रीका में। भारत में प्रथम सफल हृदय प्रत्यारोपण सन 1994 में हुआ और दोस्तों एम्स दिल्ली में डॉक्टर वेणुगोपाल के निर्देशन में हुआ। कृत्रिम हृदय आर्टिफिशियल हार्ट दोस्तों रबड़ और एल्यूमिनियम का बना होता है और वर्ल्ड में फर्स्ट आर्टिफिशियल हार्ट जो है वो वैज्ञानिक रॉबर्ट जार्विक द्वारा, साइंटिस्ट रॉबर्ट जार्विक के द्वारा बनाया गया और उसका नाम रखा गया जार्विक 7। और किसका बना होता है दोस्तों, रबड़ और एल्यूमिनियम का बना होता है, बैग में पीछे लटका देते हैं और दो दो आपके ट्यूब्स के द्वारा हार्ट से कनेक्ट कर देते हैं, वो बैटरी सपोर्ट से चलता है, जब आपका हार्ट थोड़ा सा काम करना बंद करता है तो वो वाला हार्ट ब्लड की पंपिंग को कंटिन्यू रखता है, ठीक है। और आजकल मार्केट में आर्टिफिशियल ब्लड भी मिल रहा है, कृत्रिम रुधिर, और जो कृत्रिम रुधिर है दोस्तों वो अपने आप में क्या है, वो परफ्लोरोकार्बन कंपाउंड्स का बना होता है, पीएफसी, परफ्लोरोकार्बन। ऐसे बहुत से डेटा आपके नोट्स में लिखे हुए हैं, आप वहां से उस चीज को समझ सकते हैं, वो रटने का बेसिस है। एक चीज मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि हमारे ब्लड ग्रुप का कंट्रोल 3 जीनों के द्वारा होता है। कितने जीन के द्वारा? 3 जीन आपके हैं, आई ए, दूसरा है आई बी और तीसरा है आई जीरो। हमारे ब्लड ग्रुप का कंट्रोल कितने जीनों के द्वारा होता है? 3 जीन। और इस 3 जीन के द्वारा 6 क्या बनते हैं? अलील बनते हैं। अलील का मतलब कह सकते हो युग्म विकल्पी, 6 ऑप्शन, 6 जोड़े बनते हैं। और 6 जोड़े जो होते हैं वो क्या काम करते हैं, देखिए, अगर आई ए आई ए ये बने या फिर आई ए आई जीरो बने तो दोस्तों ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? ए। अगर आई बी आई बी हो या फिर आई बी आई जीरो हो तो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? बी। अगर आई ए आई बी हो तो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? ए बी। और अगर आई जीरो हो तो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? ओ। यानी कि हमारे 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप को बनाने के लिए 6 प्रकार के जीनों के जोड़े काम करते हैं, ठीक है। ए के लिए आई ए आई ए या फिर आई ए आई जीरो, बी के लिए आई बी आई बी या फिर आई बी आई जीरो, ए बी के लिए आई ए आई बी और ओ के लिए आई जीरो ये काम करता है, ठीक है। अच्छा, जब भी आप क्वेश्चन में यूज करें तो ए के लिए आप आई ए आई जीरो यूज करेंगे, बी के लिए आई बी आई जीरो यूज करेंगे, क्वेश्चन में जब भी यूज करना हो। अब आप कहेंगे सर इसका यूज कहां है, तो इसका यूज है दोस्तों मां बाप के ब्लड ग्रुप से बच्चों का ब्लड ग्रुप कैसे पता करें, क्लियर। मां बाप का ब्लड ग्रुप हो उससे बच्चों का ब्लड ग्रुप कैसे पता करेंगे, 3 जीन है, 6 जोड़े हैं। अब क्वेश्चन सीधा आता हूं क्वेश्चन पर, ये तो है याद करने वाली चीज। जैसे मां का ब्लड ग्रुप है दोस्तों ए और पिता का ब्लड ग्रुप है बी। अब आपसे पूछ रहा है बच्चों के ब्लड ग्रुप की संभावना बताइए, तो दोस्तों ए के लिए मैंने आपको क्या बोला है, क्या लिखना है आपको, आई ए आई जीरो, क्वेश्चन में ये काम में लोगे। बी के लिए आई बी आई जीरो, क्लियर। अब क्या करोगे, देखो सबको आपस में मल्टीप्लाई करवाना है, पहले इसको लीजिए, इसको पहले इससे गुणा करवा दीजिए, फिर इससे गुणा करवा दीजिए, ठीक है। फिर आप इसको लीजिए, इसको एक बार इससे गुणा करवा दीजिए, एक बार इससे गुणा करवा दीजिए, सब आपस में गुणा हो गए। अब गुणा करने के बाद ऊपर लिख लीजिए, देख जैसे कि आई ए को आई बी से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, आई ए आई बी। बताओ कौन सा ब्लड ग्रुप हो गया, ए बी हो गया। दूसरा आई ए आई जीरो, ये क्या लिखोगे, आई ए आई जीरो। बताओ कौन सा ब्लड ग्रुप हो गया, ओ।
इधर लिखोगे आई जीरो आई बी, कोई फर्क नहीं पड़ता आगे पीछे से, ये बी ब्लड ग्रुप हो गया, और एक आई जीरो ये कौन सा ब्लड ग्रुप हो गया दोस्तों, ओ अच्छा ये कौन सा है ऊपर ए। तो आप चार आपको कॉम्बिनेशन मिले जिनमें से एक आपको मिला ए, एक आपको मिला बी, एक आपको मिला ए बी और एक आपको मिला ओ। तो बताइए 25% सबकी क्या हो गई संभावना, यानी अगर मां बाप का ब्लड ग्रुप ए और बी है तो ये सभी प्रकार की संतानें पैदा कर सकते हैं, सभी प्रकार की संतानें इनके द्वारा पैदा की जा सकती हैं। बोलो बात समझ में आ गई, क्लियर। अब इसको मैं एक दूसरे क्वेश्चन के थ्रू रिपीट करता हूं, यहां समझ में नहीं आया होगा आपको, क्या करना है इसको पहले दोनों से गुणा करवाइए फिर इसको दोनों से गुणा करवाइए, आपको यह काम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में करता हूं, चलिए माता है आपकी बी और पिता आपका है ए बी, क्लियर। अब वही काम करेंगे, देखिए बी को लिख लिया आई बी आई जीरो, ए को लिख लिया आई ए आई बी। अब पहले क्या किया, पहले इसको गुणा करवा दिया इससे और फिर इसी को गुणा करवा दिया इससे, ये ऊपर ऊपर ये काम हो गया, फिर इसको गुणा करवा दिया इससे, फिर इसको गुणा करवा दिया इससे। अब लिखिए देखो ये क्या लिखोगे आई बी आई ए, अच्छा ये आई बी हो गया तो ये ब्लड ग्रुप कौन सा हो गया बी, क्लियर। ये ब्लड ग्रुप आई बी आई ए, तो ए और बी ऊपर दिख रहे हैं तो ये कौन सा ब्लड ग्रुप हो गया बताइए ए बी, अच्छा ये लिख दिया आपने आई जीरो आई ए तो ये कौन सा ब्लड ग्रुप हो गया ए, और ये लिख दिया आई जीरो आई बी ये कौन सा ब्लड ग्रुप हो गया बी। अब चार बच्चों में से दोस्तों एक तो है आपके ए बी, एक है आपके एक तो है आपके ए बी, एक है आपके ए और दो आपके हुए बी, तो बताइए बताइए 25% चांस ए के, 25% इसके और दोस्तों 50% बी के, क्लियर है ना। अब आपसे पूछ ले क्या इन दोनों का कोई ओ वाला बच्चा हो सकता है, ओ ब्लड ग्रुप वाला, तो ओ ब्लड ग्रुप के चांस 0% है, यानी ये एक चीज फिक्स हो गई भाई। ये तो फिक्स नहीं है कि इनका पहला बच्चा कौन सा होगा, इसका मतलब ये मत निकाल लेना पहला बच्चा ए बी वाला, दूसरा ए वाला, तीसरा बी वाला, नहीं, इसका मतलब है कि संभावना इतने इतने परसेंट है, हो कोई भी सकता है, लेकिन एक चीज कंफर्म है कि ओ वाला बच्चा नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, चाहे दोनों लोग 1000 बच्चे पैदा कर दें, ओ वाला बच्चा पैदा नहीं होगा। तो मां बाप के ब्लड ग्रुप से बच्चे के ब्लड ग्रुप का पता लगाने का जो सिस्टम है ये यहां आप कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ टॉपिक आपका हुआ समाप्त, कक्षा आपकी हुई समाप्त, स्क्रीनशॉट जो है आप लेते रहिएगा। तो दोस्तों आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।